everyone. Let's welcome Mr. Rohit Yagi. <laughs> Good afternoon, everyone. Good afternoon, we have with us today Mr. Rohit Yagi. He has secured rank 74 this year. He hails from Delhi itself and has done B.Tech in information technology from Indraprasth University, Delhi. His optional is geography. And his hobbies are playing basketball and reading about great leaders. So, without wasting much time, I would like to give the stage to Mr. Rohit Yagi. Okay. Thank you, sir. So, hello, everyone. Um, thank you for those kind words, sir. Um, I hope everyone of you, each one of you, is uh, very well. And uh, so, I mean, it's really overwhelming to be here talking with you all in the uh, clearing in the first attempt itself so you know to this day i really can't you know absorb that thing but again uh, by god's grace it happened uh, i'm rohit as sir mentioned i'm from delhi my schooling has been from delhi and uh, college everything from delhi itself preparation uh, so i'm 23 years old Tho all those 23 years have been in delhi spent in delhi so इधर उधर चले गए सो मोस्टली डेली वाला एंड सो द थिंग इज आई यू नो वाइल्ड स्कूलिंग आई वॉज आई आई वॉज स्कोरिंग डीसेंट एंड एंड आफ्टरवर्ड्स इंजीनियरिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू अ पर्सन हू हैज टेकन पी सी एम इन हिज क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ सो आई वेंट ऑन फॉर इंजीनियरिंग अच्छा इट डिड नॉट गो वेरी स्मूथ ऑल राइट मैंने आई आई टी जे के लिए अपीयर किया था तो मेरा मैथ्स का कट ऑफ जो था वो रह गया उसमें एंड सैडली आई कोडेंट गेट इन टू एनी आई आई टी और इवन यू नो मेन्स मार्क्स वॉज नॉट सो गुड कि आई वुड बी गेटिंग कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कॉलेज लाइक डी टी यू एंड ऑल दैट यू नो बींग फ्राम डेली डी टी यू इट सेल्फ एंड एन एस आई टी इट सेल्फ इज़ अ गुड कॉलेज सो इंद्र यूनिवर्सिटी का कॉलेज है एम एस आई टी महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैं वहाँ पर इंजीनियरिंग करने चला गया द थिंग इज़

तो मेरी इंजीनियरिंग का जो पहला साल था लाइक दो हज़ार से उन्नीस में मैंने दो में इंटर किया था अपनी इंजीनियरिंग में तो वो कुछ इस तरह रहा कि मुझे रिग्रेट होता रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इवन है ना मेरे फ्रेंड्स ने ड्रॉप लिया उन्होंने निकाला जेई का एग्ज़ाम वो चले गए यू नो बट थिंग इज़ नाउ एट लीस्ट आई कैन से लाइफ हैज़ यू नो समॉर्टेड प्लान्स फॉर यू बिकॉज आई एम हेयर टॉकिंग टू यू ऐसा बात कर पा रहा हूँ कि हाँ मैं कुछ बन गया हूँ तो इस तरह से तो थोड़ा चिल सीन रखना चाहिए लाइफ में आई मीन यू नो ठीक है फेलियर्स को एक्नोलेज करिए लाइक like, मैं सर से बात कर रहा था तो सर ने यही बोला कि यू नो लाइफ में फेलियर को एक ऐसा बैगेज मत कैरी करके चलिए है ना आई होप आप सब के लाइफ में ना कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रही होती हैं यार ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है एक एक्सपीरियशल हिस्ट्री एवरी इंडिविजुअल की इस तरह से रहती है यू नो सम अचीवमेंट्स आर देयर सम फेलियर्स आर देयर सो नॉर्मलाइज इट राइट एंड बट एट दट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड के आई डू वॉन्ट टू अचीव समथिंग गुड यू नो समथिंग वेरी विच इज़ मीनिंगफुल राइट विच मेक्स सेंस इन द एंड राइट सो आई डि नाट गिव अप के आई एम नॉट फ्रॉम एनी प्रेस्टिजियस कॉलेज राइट आई वॉज नॉट यू नो डी यू से भी होता स्टीफन या हिंदू से तो लगता कि हाँ यार कुछ फोड़ा है जिंदगी में सो वेटी डिसेंट कॉलेज है वहाँ से मैंने पढ़ाई करी देन बाई द एंड ऑफ इंजीनियरिंग अच्छा इंजीनियरिंग के दौरान वहाँ पे आई वॉज़ यू नो गुड इन कोडिंग एंड ऑल दैट कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक चीज़ होती है यू you नो know, वहाँ पे कोडिंग करते हैं अपना कंपनी में जाते हैं सो बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ इंजीनियरिंग आई रियलाइज के थोड़ी सी सस्टेनेबल चीज़ नहीं है मैंने इंटर्नशिप करी थी सो आई कैप्ट वेरी सिंपल कि यार यहाँ तो दाल नहीं गल रही अपनी राइट right? के कोडिंग में ऐसा नहीं कर सकता कि यार आठ आठ दस साल बाद मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि हाँ मैं कोडिंग कर लूँ ये वो ठीक है इट्स अ गुड नाइस यू नो पेइंग वेरी गुड पेइंग जॉब बट अगेन फिर देन लास्ट सेमेस्टर में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर मैंने आई डिसाइड इट कि हाँ आई वॉन्ट टू अपेयर फॉर दिस एग्जाम एंड द गुड पार्ट इज़ माई फैमिली वॉज सपोर्टिव राइट फैमिली सपोर्टेड के भाई ओके इफ़ यू वॉन्ट से इट दैन श्योर यू शुड एंड माई ग्रैंड पेरेंट्स देवर माई मोटिवेटर्स राइट बिकॉज दे मई मेरी फैमिली में मैं मैंशन कर देता हूँ कोई गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है राइट right. एंड uh, कोई भी ऐसा पब्लिक सर्विस में नहीं था तो मेरे लिए कोई ऐसा रोल मॉडल भी नहीं रहा कि अच्छा चलो वो इस पोजीशन पे है मुझे एटलीस्ट इतना तो अचीव करना है उस उस तरह से नहीं था है ना एंड दिस शुड नॉट बी योर डीमोटिवेटिंग फैक्टर डीमोटिवेटिंग फैक्टर राइट कि वहाँ पे कोई नहीं है फैमिली से तो आप नहीं निकाल सकते इट इज़ वेरी मच कॉमन फॉर एवरी वन के ठीक है हो जाता है इट्ज़ वेरी मच डूएबल राइट देन तैयारी स्टार्ट करी मैंने अपनी मार्च टू टू में राइट इट वॉज द इट वॉज़ द टाइम जब मेरा ओवर हो रहा था इंजीनियरिंग का सिनेरियो सब प्लेसमेंट्स वगैरह ले चुके थे मैं प्लेसमेंट्स okay? uh, में नहीं बैठा बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम ओके मैं एग्ज़ाम में एग्ज़ाम की तैयारी मैंने शुरू करी तो मैं थोड़ा बता देता हूँ एक टाइम लाइन कैसी रही बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं अगर आपने अभी तैयारी शुरू करी है तो कुछ रिलेट कर पाएंगे एंड स्ट्रेटेजी uh, से अगर कुछ मिल पाए रिलेटेबल हो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप लोग हो गए जो 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 अगला अटैम्प्ट दे रहे हैं अगले मतलब अगले साल टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव वाला तो एक टाइम लाइन थोड़ा वो रह जाएगा ठीक है तो मैंने सबसे पहले अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट उठाया जो कि जोग्रफी था अच्छा जोग्राफी चूज़ करने के पीछे रीज़न यही था कि और कोई ऐसा ऑप्शनल मुझे लग ही नहीं रहा था जिसमें मेरी दाल गल जाए ठीक है जोग्राफी में थोड़ा सा फेवरेबल लगता था राइट कुछ भी कहो उसमें हैं चीज़ें ठीक है, चीज़े, है? साइंटिफिक थोड़ी सी राइट इट्स नॉट जस्ट कि साइंस वाले लेते हैं उसे बट अगेन थोड़ा सा रिलेटेबल लगता है दैन मैंने अगेन जोग्राफी अपना स्टार्ट करा स्टैंडर्ड सोर्सेज़ मैंने उठाए उसमें सविंद्र सिंह जो बुक चलती है उस तरह से सो आई वेंट ऑन स्टडिंग जोग्राफी फॉर द होल टाइम मतलब कितना मैं बताऊँ मार्च टू से अराउंड सेप्टेम्बर अक्टूबर राइट अच्छा बीच में अगस्त वगैरह के टाइम से थोड़ा सा पॉलिटी और स्पेक्ट्रम वग़ैरह हल्का 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 उठाने लगा था मैं राइट पॉलिटी वगैरह तो अच्छा इस पोजीशन में आप आ जाइए क्योंकि ऑप्शनल का एक ऑप्शनल एक ना ही चंक है इस प्रिपरेशन का मेंस में 500 नंबर ऑप्शनल uh, के होते हैं राइट right. सो so, इतनी एक प्रिपरेशन आपकी ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो जानी चाहिए प्रीलिम्स से पहले कि आपको ऑप्शनल ऐसा लगे कि यार डूएबल है मतलब अगर सिर्फ इसमें मैं टेस्ट कुछ और लिख लूँ और पी कर लूँ उसमें ठीक है तो उसमें इतना डर ना लगे राइट एंड ऑप्शनल अगर आपका अंडर ग्रेजुएट में सब्जेक्ट रहा है तो अब तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है राइट बिकॉज़ यू आर इन कॉन्स्टेंट टच विद दैट मैं जोग्राफी से टच में टेंथ क्लास के बाद नहीं था तो थोड़े एफ़र्ट्स ज़्यादा डालने पड़े फुल टाइम जोग्रफी पढ़नी पड़ी राइट right. सो अक्टूबर के टाइम तक थोड़ा माहौल डिसेंट हो गया उसमें बीच में कुछ टाइम प्रोडक्टिविटी गिरी बट ओके दैट्स दैट द पार्ट ऑफ योर जर्नी इट्स सबके साथ होता है आई बिलीव सो आफ्टरवर्ड्स आई स्टार्टिड आंसर राइटिंग ओके नाउ यू वुड से आंसर राइटिंग के बिना सिलेबस कंप्लीट करे हुए नहीं आई ट्राई टू कवर बेसिक जो सोर्सेज थे एटलीस्ट एक या दो बार वंस टू गेट देंग ऑफ इट राइट एंड ओके वन मोर फैक्टर वॉज देयर विच आई आई फॉर गोट टू मैंशन Uh, मैं न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ता रहा राइट इवन बिफोर मार्च 2022 जब मैंने अपनी तैयारी एग्जैक्टली exactly उसके अराउंड से स्टार्ट करी थी उससे भी एक दो महीने पहले से आई जस्ट गिव इट एट ट्राई ओके बिकॉज ऐसा कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में कि न्यूज़ पेपर इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रपेशन आई वॉन्टिड टू सी वाई इट इज़ एक्चुअली इसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रपरेशन ठीक है तो इट डिड फील गुड एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन से न्यूज़ पेपर रीडिंग इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स विच आई एन्जॉयड द मोस्ट इन दिस प्रपरेशन ठीक है अब इसको भी ऐसे मत मानना कि न्यूज़पेपर पेपर पढ़ के ही होगा ऐसे भी टॉपर्स होते हैं जो मैगजीन्स पढ़ के निकालते हैं। कोई इसमें वो चीज़ नहीं है आई एम अ प्रो न्यूज़ पेपर पर्सन सो आई एम बेटिंग ऑन न्यूज़ पेपर ठीक है दैन आंसर राइटिंग में अच्छा अक्टूबर पे करा तो एक अच्छा खासा मतलब दस महीने हो गए थे न्यूज़ पेपर पढ़ते हुए तो आई थिंक दस महीने जिसको हो जाते हैं न्यूज़ पेपर पढ़ते हुए उसे आइडिया तो पढ़ जाता है ना भाई आई आर में इशूज़ क्या चल रहे हैं ठीक है इन्वॉर्मेंट में इशूज़ क्या चल रहे हैं गवर्नमेंट किस तरफ पॉलिसी मेकिंग में कौन से बिल्स वगैरह पे फोकस कर रही है डिबेट्स कि, uh, किन चीज़ों पे चल रही है एंड आई थिंक वही आंसर राइटिंग में आता है मेंस एग्जाम तो इशू बेस्ड है ना जो इशूज़ हैं सोसाइटी के एट लार्ज पॉलिटी के एट लार्ज एनवॉर्मेंट जिसे फेस कर रहा है ठीक है तो अक्टूबर तक सीन यही था कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी थी अपन ने और uh, वो चली लगभग जनवरी तक ठीक है अभी बेसिकली टाइमलाइन बता रहा हूँ विल डिस्कस इन डिटेल फाइन सो जब मैंने अपनी आंसर राइटिंग करी तो मैं ट्राई करता था कि हर सैटरडे एक टेस्ट लिख के आऊँ हर संडे एक टेस्ट लिख के आऊँ राइट एवरी संडे एक टेस्ट फुल लेंथ पहले दिन से एग्रेसिव मोड होप बेशक पूरा नहीं हुआ स्टार्टिंग के तीन चार टेस्ट पूरे नहीं हुए बहुत अलग है ठीक है लेकिन पहले दिन से ही ये था क्लियर कि आज टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आज टेस्ट लिखने स्टार्ट कर रहा हूँ इस संडे से तो आगे के जितने भी संडे होंगे एंड आई आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट उस टाइम से लेके अक्टूबर में आई थिंक नौ अक्टूबर को पहला टेस्ट लिखा था मुझे ध्यान है संडे था उस दिन वहाँ से लेके और पंद्रह जनवरी तक जित लास्ट जो मैंने टेस्ट लिखा प्री से पहले वो पंद्रह जनवरी था वहाँ से लेके और वहाँ तक हर संडे को मैंने टेस्ट लिखे हैं ठीक है एक आधा कुछ वैसी हॉलीडे होगी कि कुछ गजेटेड तो भूल जाना उसे बट हर संडे टेस्ट लिखे अच्छा इससे हुआ क्या फ़ायदा क्या मिला इससे ना दो फ़ायदे मिले पहला कि मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा था एफिशिएंटली थोड़े से नोट्स बन रहे थे बिकॉज देखो जब दो तीन टेस्ट लिख देते हो ना उसमें में ये पता चलता है आपको कि भाई स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ के तो मैं आ रहा हूँ लेकिन न मैं वहाँ डिलीवर नहीं कर पा रहा राइट इट इज़ ओनली आफ्टर दैट यू रियलाइज़ देखो टॉपर्स बोलते थे मुझे लगता था अरे ठीक है हवाबाजी वाली बात है राइट बट वट वॉज द एसेंस बिहाइंड इट एसेंस बिहाइंड इट वॉज कि आप लिख के वहाँ वही आते हैं जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा होता है राइट right? मैंने मेंस लिखा है मैं बता रहा हूँ जो शॉर्ट नोट्स होते हैं फ्लैश नोट्स जिन्हें बुलाते हैं प्रीवियस ईयर टॉपर्स ठीक है वो बहुत काम आते हैं अनलेस एंड अनटिल आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इतनी है कि आप 10-12 पेज एक टॉपिक पे याद रख पा रहे हो राइट शॉर्ट नोट्स तो यार बनाने चाहिए और मैं इंसिस्ट करूँगा बनाइए मेन्स के लिए नॉट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बट वंस आफ्टर यू रियलाइज लाइक आई डिड अपने टेस्ट लिखते हुए कि यार ठीक है ये टॉपिक पूछा इस पर लिखा ही नहीं गया कुछ भी है ना वहाँ मैं बैठा रहा सोचता रहा मेंस में तो सोचने का टाइम कम और ये पेपर रश ज़्यादा होता है यार पेपर तो पूरा हो पहले अपना है ना सो अकॉर्डिंगली वट आई डिड वॉज के जो जो चीज़ें आ रही थी जिसमें जैसे इस टेस्ट में ये दो टॉपिक्स छूट गए भाई उसके नोट्स बना लिए वैल्यू एडिशन होता रहेगा राइट एंड uh, ये कैसे बनाने नोट्स विजन पे ही एक टॉपर थे मैं मैंशन करूँगा कि वहाँ पे उन्होंने बोला था कि वन इज़ सॉरी टू इज़ टू वन का रेशो रखिए अपने पेज में ठीक है अगर कोई यही सोच रहा है कि नोट्स कैसे बनाते हैं जैसे मैं परेशान रहता था भाई टॉपर नोट्स होते कैसे हैं ठीक है तो एक पेज को वर्टिकली तीन कॉलम्स में बांटिए जो दो कॉलम्स हैं उसमें अपने नोट्स बना लीजिए जो भी आपको लग रहा है ठीक है मुझे पता है कि एक बार में नोट्स बनते नहीं है मैंने खुद ऐसी करा पहले नोट्स बने वो कटे फिर दोबारा एक सेकेंड आइट्रेशन चली फिर थर्ड आइट्रेशन चली राइट तो उसमें था क्या वन थर्ड स्पेस खाली छोड़ रहा था मैं मुझे पता था कल को इन्फॉर्मेशन और आएगी भाई करंट अफेयर्स भी ऐड करने होते हैं नई रिपोर्ट्स आती हैं कुछ इवेंट ऐसा घट जाता है है ना कोई चीज़ मिस आउट भी तो होती है मेंस से पहले मेंस 365 आती है ठीक वो तो पी टी थ्री सिक्सटी फाइव मेन्थ सभी पढ़ रहे हैं ठीक है तो उसमें से भी एड ऑन होंगी उसमें चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें जो आंसर में मैंशन होंगी तो अकॉर्डिंगली ऐसे नोट्स बनाए साथ साथ ठीक टेस्ट लिखे जनवरी फिफ्टीन तक अपना टेस्ट सीरीज़ डिलीजेंटली फॉलो करी 15 जनवरी से लेके और 31 जनवरी तक आई वॉज वेरी क्लियर कि जितनी भी बची कुची चीज़ें हैं बची कुछ कुचि चीज़ें लाइक एथिक्स का पोर्शन राइट एथिक्स में आपको बहुत वैल्यू एडिशन वगैरह थोड़े एग्जाम्पल्स उठाने होते हैं राइट जो ऑफिसर्स ने कंट्रीब्यूशन कराया सोसाइटी में यू नो बिकॉज सी द थिंग इज़ जब आप लिख के आ रहे हैं वहाँ पे वो बहुत क्लियर होना चाहिए आपका कि अब वो उनको दिखना चाहिए कि दिस गाय और दिस गर्ल हैज़ फॉलोड सर्टेन ऑफिसर्स राइट ही हैज़ द इंस्परेशन टू डू दोज यू नो दो डेवलपमेंटल वर्कस ओल राइट सो 15 जैन uh, से 31 फर्स्ट जैन तक अपना निपटा लिया एथिक्स ऐसे का थोड़ा बहुत कोर्ट्स वगैरह फैंसी कोर्ट्स जिसे बोलते हैं वो कलेक्ट कर लिए राइट तो अगेन थर्टी फर्स्ट जनवरी हो गई फर्स्ट फेबररी आई राइट फ्रॉम फर्स्ट फेब्रवरी आई वाज वेरी क्लियर कि ना आप ऐसे पे ध्यान देंगे ना आप एथिक्स पे ध्यान देंगे ना ऑप्शनल पे ध्यान देंगे ऑप्शनल तो कहीं अक्टूबर के बाद बहुत कमी हुआ है मेरा मैं थोड़ा सा रिग्रेट करता हूँ कि टच में रहना चाहिए था बट चलो ठीक है फर्स्ट uh, फेब्रवरी से मैंने फुल uh, टाइम जिसे कहते हैं प्रिलिम्स प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी थी ओल राइट सो वट वॉज द फुल टाइम प्रिलिम्स प्रिपरेशन स्टैंडर्ड सोर्सेस स्टैंडर्ड बुक लिस्ट अगेन जो सब बताते हैं वही मैंने भी यहाँ से टॉपर टॉक्स देखे ब्लॉग्स पढ़े दो चार सबके वही कॉमन सोर्सेज होते हैं वही उठा लिए मैंने भी राइट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई मीन प्रीवियस ईयर कोश्चन्स आर अ मस्ट एंड इन मेन्स एज वेल प्रीवियस ईयर कोश्चन्स एंड द सिलेबस राइट सो वट आई डिड वॉज स्टैंडर्ड शोज़ पढ़ा विजन की टेस्ट सीरीज़ जो थी मैंने मार्केट से उठाई थी आप विजन के स्टूडेंट्स हैं यहीं पर आपको होगा जो भी है तो टेस्ट लगाए मैंने डिलीजेंटली राइट right, जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं है ना सेक्शनल टेस्ट से आपको एटलीस्ट इतना पता चल जाता है इस सब्जेक्ट में इस जगह ये चीज़ें नहीं आ रही डोंट क्रेब अबाउट इट के यार मैं तो तैयारी uh, मेरी इतनी डिजास्टरस है मेरे को तो ये चीज़ आ ही नहीं रही नहीं भाई टेस्ट तो आपको बता रहा है कि तेरे को ये नहीं आ रहा उसको कवर कर ले बाकी चीज़ सॉर्टेड है राइट सो ऑप्टिमिज्म देखो इस चीज़ में भी है ना बच्चे होते हैं कि टेस्ट सीरीज़ में नंबर नहीं आ रहे नंबर्स और सेकेंडरी यार मेरे अभ्यास में कभी नंबर नहीं आए जो प्रिलिम्स वाला था ठीक है अगर मैं वहीं मान लेता कि मेरा तो प्री निकलेगा ही नहीं जो मैं मानता था ठीक है तो अगेन वही चीज़ है कि उस ट्रैप में फंस जाते हो आप अगेन एंड अगेन राइट सो स्टैंडर्ड सोर्सेज को पढ़िए पहले दिन से नोट्स मत बनाइए नोट्स तब बनाने चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए किसी भी स्टेज के लिए जब आप अंदर से नेचुरली फील करें नाउ इज़ द राइट टाइम तो टू मेक नोट्स एक फोमो में नोट्स नहीं बनाने कि मेरे दोस्त ने नोट्स बनाना शुरू कर दिए भाई क्या पता वो आपसे दो स्टेज ऊपर पहुंच गया गए तैयारी में राइट right. नहीं हमेशा नेचुरल रहिए अपनी ओरिजिनलिटी मत खोइए ठीक है तो आ, नोट्स भी मेरे कब बने थे ट्वेंटी एट में को आई गेस प्रीलिम्स था ट्वेंटी एट में से कितना बीस दिन पहले जब रियलाइज़ होने लगा कि यार अब तो नोट्स ऐसे होने चाहिए जो चीज़ें मैं भूल रहा हूँ बार बार वो फ्लैश नोट्स होते हैं ना फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए कि जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा प्रीलिम्स वहाँ पर तो बस उसको देख लूँगा दो दिन पहले से देखना भी स्टार्ट करूँगा तो वहाँ तक गाड़ी से जाऊँगा तो उस दौरान भी कुछ ना कुछ पलटता रहूँगा एंगजाइटी कम रहेगी उस पर ध्यान ज़्यादा रहेगा राइट सो दिस वॉज द एसेंस बिहाइंड शॉर्ट नोट्स राइट वो अपना वही दस बारह पंद्रह बीस दिन मतलब जिस महीने में प्रीलिम्स है उससे आ, उस महीने में उससे एक महीने पहले में थोड़ा थोड़ा एड ऑन होता रहेगा राइट एंड टेस्ट दीजिए अभ्यास बहुत सही चीज़ है मैं बता रहा हूँ इंडिया में मतलब जो भी देख रहे हैं इंडिया में अक्रॉस मतलब बड़ी सिटीज़ जो भी हैं मेजरली सब में अभ्यास होता है एंड यू नो जो वो सिमुलेशन देता है ना रियल टाइम का आपको फील कराता कर है मतलब मैं तो दिल्ली से ही हूँ तो मेरा यहीं होता था झंडे uh, वाला में देर इज स्कूल ओल राइट सो एक बड़ा सा हॉल है वहाँ पे ओल राइट right. अगर किसी ने अभ्यास दिया होगा तो वो कनेक्ट uh, कर पा रहा होगा वो बड़ा सा हॉल है एंड देर आर फोर टू फाइव स्टूडेंट्स सिटिंग इन दैट वन हॉल ऑल राइट सो आपको हाँ ना दो चीज़ रियलाइज़ होती हैं पहला कि जो अकेले तैयारी चल रही होती थी हवाबाजी जो आपकी uh, अकेले में कि हाँ मैं तो बहुत अच्छा करूँगा एंड ऑल दैट वो नहीं है वो सभी वहाँ पे आ रहे हैं नेक टू नेक कॉम्पटिशन है एंड दूसरा यू एक्लिमेटाइज टू दैट यू नॉर्मलाइज़ इट विद इन यू राइट इट यू स्टार्ट टू एबजॉर्व कि हाँ दिस इज़ हाउ द एग्जाम विल लुक लाइक एंड कोई ऐसी फ्लेबर गंग चीज़ नहीं है कि मतलब आ, वहाँ पे जाके आप एकदम से ऐसे होपलेस हो जाए नहीं बहुत नॉर्मलाइज़ कर लीजिए उस चीज़ को तो प्रिलियम्स जो दे रहे हैं इस बार डो गिव अभ्यास एंड दो एग्ज़ाम्स जो रियल टाइम सिमुलेशन से थोड़ा सा आपको वो करा दें है ना एंड आई मीन प्रटी मच एट टाइम लाइन यही रही प्रिलियम्स दिया बारह uh, बारह जून को रिजल्ट आया था उस तब तक पता भी नहीं था प्रिलियम्स होगा या नहीं होगा बींग वेरी ऑनेस्ट एक होता है कि हाँ मेरा तो हो रहा है बहुत मार्जिन से कट ऑफ सेवेंटी फाइव गई है इस बार बहुत कम हो गई है मेरे मार्क्स एट्टी पॉइंट समथिंग है सो यू कैन कॉल मी लकी ठीक है तो प्रिलियम्स जस्ट निकला मेरा बट बी वेरी श्योर अबाउट मेन्स राइट मेन्स इज़ समथिंग यू शुड बी वेरी श्योर अबाउट मेन्स अगर कोई कह रहा है मेरा बहुत अच्छा गया तो वो ठीक ही कह रहा है रीज़न बींग दो चीज़ें हैं उसको अपने कंटेंट पर भरोसा था द नोट्स विच ही और शी मेड सेकेंड उसने पेपर सारे पूरे करके आया है वो उसका कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है तो मेरा ये था कंटेंट तो यार ठीक ठाक बना लिया था राइट वैल्यू एडिशन डिसेंट थी प्रीवियस ईयर टॉपर्स के जो कम्युनिटी में नोट्स मिल जाते हैं वहाँ से बहुत एड ऑन करा मैंने एंड uh, जो विजन का जो वैल्यूएडेड मटीरियल है जो स्पेसिफिकली मेन्स के लिए है इट वॉज़ वेरी रियली हेल्पफुल आई डिड यूज़ इट ऑल राइट फ्रॉम द मार्केट एंड पेपर्स मैंने मेरा कोशिश था ये कि कंटेंट डिसेंट है नोट्स बना लिए थे सब कुछ पता था एंड मेन्स में उसे अप्लाई करके आऊँगा मैं राइट right? सो so, uh, मेरा फोकस था कि पेपर्स पूरे करे जाएँ बिकॉज सी दैट इज़ वट आई एम टेलिंग यू जो मैं कंटेंट वहाँ लिख के आ रहा हूँ आई नो फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली आई एम राइटिंग इट ऑल राइट फ्राम वेयर एग्जैक्टली आई एम राइटिंग इट एंड द फोकस वॉज ऑन कंप्लीटिंग द पेपर राइट नॉट रशिंग नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी बट एक डिसेंट यू नो एक टाइम इतना दे देना है आपको हर क्वेश्चन पे बीइंग वेरी रैशनल अबाउट इट कि यार सात मिनट से ऊपर जा रहे हैं तो इट्स टाइम टू फाइनली राइट द लास्ट पॉइंट एंड कंक्लूड द आंसर एंड मूव ऑन राइट यू शुड बी रैशनल बिहाइंड इट दैट्स मच इट ये टाइम रही देन अकॉर्डिंगली मेन्स का वो हुआ इट वॉज रियली अ वेरी प्लेजेंट मोमेंट देन इंटरव्यू एंड ऑल दैट अच्छा न्यूज पेपर्स आई वुड अगेन टेकअप न्यूज़ पेपर में द हिंदू मैंने पढ़ा था प्रिलिम से पहले तक दस बारह दिन पहले तक मेन्स के लिए हिंदू के साथ एक्सप्रेस भी ऐड कर दिया था मैंने रीज़न बीइंग जैसे मैंने मेंशन करा मेन्स थोड़ा सा ना इशू बेस्ड एग्जाम है राइट right, थोड़ा सा इंटीग्रेटेड क्वेश्चन होते हैं कि अच्छा एनवायरमेंट पे सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आई है तो उसके पीछे इन्वामेंट मतलब इकोलॉजी से क्या पूछ रहे हैं एंड रैशनल क्या है जो पॉलिसी मेकिंग में एक्ट्स वगैरह हैं लेजिस्लर है थोड़ा सा इंटीग्रेटेडली पूछते हैं ठीक है वो थोड़ा सा आपको न्यूज़पेपर से बहुत हेल्प मिलेगी आईआर में और इकॉनमी uh, में टू बी वेरी स्पेसिफिक राइट एंड इंटरव्यू के टाइम पे आई डिड एड द मिंट देर इज़ वन न्यूज़ पेपर द मिट ऑल्सो ठीक है दैट इज़ समथिंग यू नो हो जाता है वो फिर टाइम आप खुद ही चाहेंगे कि और पढ़ा जाए इस चीज़ के बारे में है ना देट कम्स नेचुरली ऑल राइट सो या दैट वॉज द टाइम लाइन बेसिकली सो नाउ आई आई थिंक वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक और चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आई जस्ट टेक सम रेफरेंस ऑल राइट वन मोर थिंग डोंट ब्लाइंडली फॉलो ईच एंड एवरी थिंग द टॉपर्स से ब्लाइंडली डोंट ब्लाइंडली फॉलो इट ओके आई एम सेग बिकॉज़ ये मेरे लिए काम करा हो सकता है आपको चैलेंज आए डेली न्यूज पेपर पढ़ने में है ना मैंने मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी थी बट सम पीपल जेन्यूइनली दे मैंशन के यार मंथली मैगजीन बहुत हेल्पफुल होती है एंड इट वर्कस फॉर देम आई नो पीपल हु हैव बीन सेलेक्टेड एंड दे यूज टू फॉलो मंथली मैगजींस सो डू वट सूट्स यू डू वट इनहैंस योर प्रोडक्टिविटी राइट नॉट जस्ट द इट शुड नॉट जस्ट बी द फोमो कि यार सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँ इस चीज़ को राइट ओरिजिनेलिटी शुड भी देयर यू पी एस सी इज़ एक्चुअली नाउ आई कैन से यू पी एस सी इज़ एक्चुअली लुकिंग फॉर द पीपल हैव बीन ओरिजिनल फ्राम द यू नो सिंस इन इन देयर प्रिपरेशन एंड इन देयर स्टडीज़ नो यू शॉट लूज द ऑरिजिनेलिटी इन यू राइट दिस इज़ समथिंग विच आई विल स्ट्रेस अपॉन औरिजनेलिटी प्रोडक्टिविटी एफिशियंसी ऑनेस्टी दैट इज़ समथिंग यू नो यू शुड बी वरिंग अबाउट या सो वन थिंग विच आई एम एबल टू सी इज माई स्कोर्स ओके लाइक आई मैंशन प्रिलियम्स मेरा हो गया अच्छा सी सैट में आई वॉज कॉन्फिडेंट टू बी वेरी ऑनेस बिकॉज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है थोड़ा सा वहाँ से वो हो जाता है एंड एन एडवाइस फॉर द पीपल हु आर वरीड अबाउट सी सैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह करके जाइए एक पहली चीज़ सेकेंड डू नॉट रश बहाइंड ट्रिक्स टू बी यूज इन सी सेट मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ यू पी एस सी ने एक ऐसा पैराडाइम सेट कर दिया है कि अब ट्रिक्स काम नहीं आएंगी सी सेट के एग्ज़ाम में होता था ना कि पी एन सी की ये ट्रिक लगा दो तो क्वेश्चन निकल जाएगा नंबर सिस्टम में ये ट्रिक यूज़ कर लो है ना टेबल बना के इस तरह से वो सब रश बहाइंड द मेथड्स वीच आर एबल टू हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चन राइट फॉर एग्जाम्पल एक मल्टीप्लीकेशन रूल होता है सी सैट में ऑल राइट सो उसके पीछे रश करो इफ नीडिड फॉलो एनी टीचर फॉर दैट इफ रिक्वायर्ड डू फॉलो द रिसोर्स विच आर अवेलेबल यू नो यू शुड बी वेरी इन दिस मैनर ब्रॉड माइंडेड पिक वट इज़ कॉम्पलीमेंटिंग योर प्रिपरेशन रादर दैन हार्मिंग योर प्रोडक्टिविटी फोमो शुड नॉट भी देयर कि सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँ बट इफ़ नीडेड येस डेफिनेटली ओल राइट सो मेथड्स के पीछे अगर भागना है तो भागी कि इस चीज़ को अप्रोच कैसे करें एक दिन में एक क्वेश्चन भी करेंगे ना सी साइड का एंड डिलीजेंटली बी सेंसियर डोंट बी सीरियस बी सेंसेर अबाउट इट राइट सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू यार एक दिन में एक क्वेश्चन बनता भी है ना अगर अच्छे से करा जाए तो और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितने क्वेश्चन हो जाएंगे एंड उसमें से तो आठ दस आ ही जाएंगे एंड बाकी इतना तो स्कोप देता है यार यू के कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑल आप निकाल सकें ठीक है डोंट वरी अबाउट इट जस्ट वर्क अपॉन इट राइट अच्छा मेरे स्कोर्स जैसे मैंने मैंशन करा प्रीलिम्स uh, में एट्टी पॉइंट एट वन है आई थिंक कट ऑफ से कुछ पाँच नंबर ऊपर सी सेट में एट्टी फोर था वो भी ठीक ठाक ही है उसमें एंड मेन्स uh, में मैं बता देता हूँ एस ए में माई स्कोर वॉज वन वन नाइन जी एस वन में माई स्कोर वॉज़ वन ज़ीरो थ्री एंड जी एस टू में माई स्कोर वॉज़ वन जीरो सेवन जी एस थ्री में माई स्कोर वॉज़ नाइन्टी एट जी एस फोर एथिक्स में मेरा स्कोर वॉज़ वन ट्वेंटी फाइव मेरा जोग्राफी ऑप्शनल था पेपर वन में वन थर्टी नाइन पेपर टू में वन थर्टी थ्री दैट अमाउंट्स टू टू सेवेंटी टू एंड इंटरव्यू में आई गोट वन सेवेंटी थ्री विच आई फील बैड अबाउट एंड टोटल मेरे जो मार्क्स हैं वो हो रहे हैं नाइन नाइन सेवन सो इस नाइन नाइन सेवन की वजह से रैंक सेवेंटी फोर विच इज़ अनबिलीवेबल टू दिस डे फॉर पर्सनली फॉर मी मेरे को नहीं लगता ऐसा कि हो चुका है ठीक अच्छा इसमें आई वुड से पीपल हैव टोल्ड मी के आई गॉट गुड इन जी एस वन इस टाइम जी एस वन में स्कोर थोड़ा कम रहा है मैं मेरे को टाइम नहीं मिल पाया कि मैं थोड़ी मार्कशीट्स और देखता बट दे आर सेंग के अगर हंड्रेड से ऊपर आया तो अच्छा है एंड जी एस थ्री में नाइन्टी एट इज़ ऑलसो गुड स्कोर बिकॉज जी एस थ्री काफ़ी बुचर हो रहा है बुचर टर्म थोड़ा सा यूज़ करना नहीं चाहिए वो हो गया कि मैं सुनता आ रहा हूँ इसको यार देर आर सर्टन एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स यू पी एस सी सर्टन एक्सपेक्टेशंस रखता है ठीक है यू शुड आइडेंटिफाई दो एक्सपेक्टेश मैं ऐसा नहीं कुछ थमरूल बता सकता कि ये ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है इट वेरीज ईयर टू ईयर राइट बट एक प्रीवियस ईयर टॉपर की कॉपीज़ देखिए प्रीवियस ईयर टॉपर के नोट्स देखिए यू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ब्रेन करते रहिए टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम ठीक है चार फालतू रिसोर्सेज को ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय यू के जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं दैट इज़ दैट इज़ योर मेन सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयरस उस पर काम करते रहिए उसको करिए यार पेन से सर्कल करिए ये टॉपिक है ये नहीं आ रहा मुझे इस पर और काम करना है, है ना जब चार टिक लगेंगे उस पर तो अच्छी फीलिंग आती है जब Uh, वो एंड के दिन आ जाते हैं तैयारी के कि हाँ फाइनली अपेयर करने जा रहे हैं इतनी तो मेहनत करी है हमने राइट तो दैट गिव्स अ पॉजिटिव फीडबैक इन इट एंड जी एस फोर में अगेन पीपल आर सेंग वन ट्वेंटी फाइव इट्स अ गुड स्कोर ठीक है इससे ज़्यादा आए हैं मैं मिला हूँ लोगों से वन थर्टी थ्री वन थर्टी फाइव वन थर्टी नाइन या सो या एंड इंटरव्यू में थोड़ा सा मेरा रह गया मामला कम कोई नहीं सो या दिस वर माई स्कोरस एंड चूजिंग द ऑप्शनल एंड इट्स प्रिपरेशन लाइक आई मैंशन इन द टाइम लाइन डिस्कशन ऑप्शनल चूज़ इसलिए करा गया था जोग्राफी बिकॉज uh, एक मेरे पे ऑप्शन था मैथेमेटिक्स का एंड uh, एक मेरे पे जोग्राफी का बिकॉज उसके अलावा ना सी एस आई टी का कोई मेरे भाई कुछ होंगे यहाँ पे सी एस आई टी वाले तो उसमें नहीं होता सी एस आई टी वाला अगर होता तो वो लिया जाता तो मैथेमेटिक्स इसलिए नहीं लिया बिकॉज में कनिश कटारिया सर नहीं था राइट right? वो भाई उनका स्कोर यार मतलब इट्स रिमार्केबल राइट एवरी वन लुक्स अप टू इट के अगर ऑप्शनल में इतने आ जाएँ फिर तो सिंगल डिजिट रैंक भी आ सकती है राइट सो जोग्रफ़ी लिया गया इंटरेस्ट था द डिसाइडिंग फैक्टर वॉज इंटरेस्ट जब ऑप्शनल का सिलेबस पूरा कर लिया मैंने तब लोग मुझे डराने लगे कि यार जोग्राफी में तो मार्क्स ही नहीं आते रिजल्ट से दो दिन पहले तक डरा रहे थे कि मेंस तेरा निकल तो गया मार्क्स तेरे थोड़े ऐसे ही रह जाएंगे वो अलग बात है वो मेरी कुछ गलतियां रही इसलिए 272 पे रुक गया इस बार जो जोग्रफी में सबसे ज़्यादा स्कोर आया दैट इज 323 राइट वन ऑफ द वेरी गुड स्कोर्स ऑल और डेफ़िनेटली उन उनका जो रैंक आया है वो थर्टी नाइन आई थिंक है ठीक है तो सी ऑप्शनल बुरा नहीं है यार कोई इट इज़ द मार्केट विच गिव्स द टैग कि ये ऑप्शनल तो बुचर हो रहा है ठीक है कुछ टाइम में देखने लगना जब देखो होता ये है कि जब एक ऑप्शनल से टॉपर ज़्यादा आने लगते हैं थोड़ा सा उसमें नॉर्मलाइजेशन और कुछ ऐसा मैंने सुना है आई एम नॉट वेरी श्योर लेकिन उसमें थोड़ा सा मार्किंग स्ट्रिक्ट होने लगती है कि ऐसा ना लगे कि मार्केट पूरी उसी के पीछे भागने लगे राइट सो दैट इज़ वट दे डू बट ऑप्शन कोई बुरा नहीं है यार है ना लोग अगर किसी ऑप्शन को आप सीरियसली पढ़ रहे हैं आप इंटरेस्ट है आपका जेनुनली राइट right? तो दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स के इंटरेस्ट आपको उसमें पार उतार ही देगा ओल राइट right. उसकी प्रिपरेशन ऑप्शनल की स्टैंडर्ड uh, सोर्सेज से रही है ठीक है टेस्ट uh, सीरीज़ ली थी मार्केट में जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाती है uh, उसमें एनरोल uh, रोल किया गया था और uh, उससे काफ़ी मदद मिली वैल्यू एडिशन हुआ के uh, स्टडीज से बहुत मदद मिली जो उसी का पार्ट थी के uh, स्टडी हो गई मैपिंग हो गई जोग्राफी में उससे बहुत मदद मिली ठीक है बट सोर्सेस में मेंशन कर देता हूँ जिनका जोग्राफी ऑप्शनल है uh, जैसे स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है प्रीवियस ईयर टॉपर्स के ब्लॉक से ही प्रथम कौशिक सर हो गए और अपने शुभम बंसल सर हो गए इनके ब्लॉक से ही पढ़ा मैंने के सोर्सेज़ क्या रहेंगे तो सविंदर सिंह जो किताब है जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी और शेनोग्राफी के लिए वही फॉलो करी एन्वायॉर्मेंट और बायो जोग्रफी के लिए जो भी कोचिंग के नोट्स अवेलेबल थे वो पढ़ लिए ठीक है पी वाई क्यू से बहुत कवर हो जाता है वो केस स्टडीज़ ऐड कर दी उसमें है ना एंड पेपर वन का ही जो सेकेंड पार्ट है ह्यूमन जोग्राफी का उसमें अगेन माजिद हुसैन की जो बुक है मॉडल्स एंड थ्योरीज ह्यूमन जोग्राफ़ी राइट सो वो फॉलो करी एंड पेपर टू में एक ही किताब सब रेफ़र करते हैं मतलब इट्स योर चॉइस इधर वन या तो माजिद हुसैन की जोग्राफी ऑफ इंडिया या फिर डी आर खुल्लर की जो, जो जोग्राफी ऑफ इंडिया इधर वन आप यूज़ कर सकते हैं एंड बी वेरी क्लियर के प्रीवियस ईयर को मोर ऑफन एंड ऑफन रिवाइज़ करते रहना चाहिए ब्रेन स्टॉम करते रहना चाहिए uh, थोड़ी सी मेरी गलती ये रही इसलिए स्कोर थोड़ा कम रह गया टू सेवेंटी टू अदरवाइज़ इस बार जिन्होंने वो करा बट जोग्राफ़ी का थोड़ा सा ये रहता है कि टाइम लगता है इट्स टाइम डिमांडिंग सब्जेक्ट एंड ये चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती हैं रियलाइज़ होती हैं जैसे मुझे अब हो रही है, है ना कि इस चीज़ को कर लेना चाहिए तो, तो अगर सलाह मानी जाए तो वेल इन एडवांस कोशिश करिए पी वाई क्यू उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टच में रहा जाए ठीक और ये आई थिंक प्रिटी मच हर ऑप्शनल के लिए होता है मैं और लोगों से मिला हूँ वो भी यही कहते हैं कि हाँ यार प्रीवियस ईयर जो है वो गाइडिंग लाइट की तरह काम करते हैं बाकी सिलेबस आपका है ही कि कितना करना है सिलेबस इज़ लाइक एक अरेना है इतना इतना करना है डोंट गेट आउट ऑफ इट राइट प्रीवियस ईयरस आर लाइक दे आर द गाइडिंग लाइट वो जो फोकस कराते हैं कि हाँ इस चीज़ को करना है बार बार इसको थोड़ा ज़्यादा करना है वहाँ से नहीं पूछेगा चार पाँच साल से थोड़ा देख लेना अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं बोलूँगा मत पढ़ना कुछ भी सो यू शुड बी राशनल इनफ स्ट्रैटी फॉर प्रीलिम्स आ जाते हैं उस पर पहले टाइमलाइन बताई थी अब स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स देख लेते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी जो थी आई वुड सम अप इस तरह से कीप इट वेरी वेरी सिंपल राइट देखो खुद सोचो लाइक एज अ थर्ड पर्सन हु इज़ नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम है ना मैं ऐसे सोचता था यार मोर ऑफन अपने डिफरेंट स्टेज़ पे एग्ज़ाम की कि 75 फाइव कट ऑफ गई है 200 में से बहुत ज़्यादा भी नहीं है चलो वो दुख हमें पता है कि सी सेट जब रुकवा देता है तो किस तरह से लगता है ठीक है मेरे फ्रेंड्स का नहीं हुआ उनका जो भी है तो खुद सोचो कि सेवेंटी फाइव ईयर अचीवेबल तो है ना मतलब लोग कर ही रहे हैं क्लियर एनी वेज हर साल ही ठीक है क्या वो डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो जाता है चलो मान के चलो मेरा निकल गया एट्टी मेरे आ गए मैंने क्या करा था बहुत ज़्यादा सोर्सेज फॉलो नहीं करे थे बेसिक किताबें जो होती हैं एकदम जैसे सभी बोलते हैं अगेन मैं भी रिपीट कर देता हूँ उस पोएम को लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम आर्ट एंड कल्चर के लिए जो नोट्स अवेलेबल होते हैं वो वाले है ना नितिन सिंह आनिया सर के नोट्स किताब तो बहुत मोटी हो जाती है अगेन देन आर्ट एंड देन एंशन मेडिवल के लिए तमिलनाडु बोर्ड की एन सी आर टी है ना प्रतिमत सब यही फॉलो कर रहे हैं आप वेरी कर सकते हैं कि ठीक है तमिलनाडु बोर्ड की नहीं है तो एन सी आर टी जो है नई वाली पढ़ लीजिए नई वालियों से बहुत मैप से क्वेश्चन आ रहे हैं है ना एक ट्रेंड आप फॉलो करते रहिए ठीक तो इन शॉर्ट जो बेसिक जो चीज़ें हैं यूनिट टू फॉलो दोज है ना न्यूज़पेपर कंसिस्टेंटली पढ़िए मैं न्यूज़ पेपर के नोट्स नहीं बनाता था मैं एक्चुअली डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ लेता था लकीली घर वालों ने एक टैब दिला दिया था मुझे ठीक है तो टैब में मैं स्निपेट ले लेता था, था उसकी अगर कोई बहुत प्रिलम्स स्पेसिफिक इंफॉमेशन लग रही है ठीक है एडिटोरियल्स के मत लेना प्रिलिम्स के लिए मेंस के लिए अगर बनाना चाहो तो दैट तो इज़ अ डिफरेंट थिंग नाउ प्रिलिम्स की बात करूँ कुछ स्पेसिफिक चीज़ आ रही है फॉर एक्जाम्पल इसरो ने कोई सैटेलाइट लॉन्च करी है दैट इज़ अ प्रिलिम स्पेसिफिक थिंग उसको कर लो यार स्निपेट ले लो या नोट्स में नोट डाउन कर लो है ना नोट्स बना रहे हो तो ना देखो स्निपेट तो एनी वेज़ पूरे उसकी आएगी नोट्स बना रहे हो कीप इट वेरी क्रिस्प ठीक है डिटेल तो आपको एनी वेज से मिलेगी ना पी टी से आप अवेयर रहो उसके बारे में अगर पीटी देखो पीटी सब कुछ कवर कर देता है अगर नहीं कर पा रहा पॉइंट वन परसेंट तो आप अवेयर रहो उसके बारे में हाँ ऐसे नाम की सैटेलाइट लॉन्च करी गई है राइट होगा क्या प्रिलिम्स में द क्वेश्चन दे आर आस्किंग इज़ के इस नाम की सैटेलाइट फॉर एग्जांपल इफ फास्ट इस तरह ये इस नाम की सैटेलाइट विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी जाक्सा या इसरो सो so, आप उस अवेयरनेस से उस पोजीशन में है कि यू आर आंसरिंग दैट एक कॉन्फिडेंस रहता है राइट एंड न्यूज़पेपर आपकी तैयारी को यार एनी हेल्प तो करेगा ही प्रीलिम्स के लिए ठीक है एंड प्रीवियस ईयरस मोर ओफन एंड ओफ़न एंड ओफ़न रीजन बींग वो आपको ट्रेंड से अवेयर करा देंगे मैं मानता हूँ क्वेश्चन का नेचर चेंज हो रहा है इस बार भी एक्सपेक्ट करके चलिए जो प्रीलिम्स दे रहे हैं कि अलग तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं ठीक है दिस इज़ समथिंग यू शुड यू नो एब्जॉर्ब विद इन यू के इट इज़ द वेरी नेचर ऑफ दिस एग्ज़ाम के क्वेश्चन अलग तरीके के आएंगे ही आएंगे राइट दैट इज़ द टफ पार्ट अदरवाइज़ इट वुड हैव बीन वेरी ईजी राइट दैट इज़ द दैट इज़ समथिंग दैट इज़ द अल्टीमेट चैलेंज के अच्छा जब जब आप उस टाइम अप्रोच कर रहे हैं सो डोंट जस्ट यू नो पेपर देख के घबराना नहीं है मैं स्टार्टिंग के दो मिनट तो ब्लैंकआउट सा हो गया था थोड़ा कि अरे यार मुझे उम्मीद थी कि पिछली बार तो सात आठ आए थे पेयर वाले ओनली वन ओनली टू कितने इस बार कितने ही आ जाएंगे दस बारह आ जाएंगे मैं गिनने लगा 25, 26 को 27 क्वेश्चन आ गए वो पेयर वाले राइट सो दिस इज़ समथिंग वन शुड नॉट डू आई विल बी ऑनेस्ट एंड उससे ज़्यादा सरप्राइजिंग हुआ असर्शन रीजनिंग वाले वो को भी पहले पूछे जाते थे प्रीवियस ईयर उठाएंगे आप तो वो पहले पूछे जाते थे तो वो वो चीज़ आ रही है साइकिल में फिर से ठीक है मैं तो ये तक दिमाग लगाने लगा था कि आई आई में जैसे क्वेश्चन आते हैं ना इसमें एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर होते हैं जिसमें बबलिंग भी इस तरीके से करी जाती है मैंने कहा इस बार तो ओ भी कुछ अलग ही देखने को मिल सकती है राइट right? सो so, थोड़ा सा रहता है इस एग्ज़ाम में इस इस तरह से सो so, प्रीलिम्स uh, में प्रीटी मच यही था टेस्ट्स को इतना सीरियसली नहीं लेना टेस्ट का जो कंटेंट है उसको कॉम्प्लीमेंट कराइए अपनी तैयारी में उस उसकी मदद से तैयारी कॉम्प्लीमेंट करिए कि अच्छा प्रीलिम्स इज इन्फॉमेसन का गेम है देख लिया आपने है ना प्रीलिम्स जो है वो इन्फॉर्मेशन का गेम है गेन करते रहिए ठीक है अपने आप को वरी मत करिए इस चक्कर में कि ये चीज़ नहीं पढ़ी वो नहीं पढ़ी जो नहीं पढ़ा वो सीख लीजिए जो छूट गया वो छूट गया सब कुछ तो नहीं जानना राइट सो दिस वॉज प्रिटी मच अबाउट प्रिलिम्स अभ्यास वगैरह देख लीजिए अपना एक्मेटाइज हो जाइए प्रीवियस ईयर से टच में रहिए डू द बेयर मिनिमम थिंग्स मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहिए है।, है ना प्रलिम्स प्रिपरेशन शुड भी इन वन वर्ड सिंपल डोंट मेक इट टू मच डोंट मेक इट टू मच कॉम्प्लेक्स ये भी करना है वो भी करना है नहीं पीटी पढ़ लीजिए मैंने जो पढ़ी थी वो मैं बता देता हूँ इकोनॉमी की पढ़ी थी साइंस एंड टेक की पढ़ी थी इन्वॉमेंट uh, की पढ़ी थी एंड वन मोर आई की पढ़ी थी बाकियों के लिए समय नहीं मिल पाया था मुझे नहीं तो अच्छा है यार पढ़ सकते हैं समय है तो ठीक है वन शुड एन एस्परेंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फिल्म स्पेसिफिकली आई डिड इट फ्रॉम फर्स्ट फेबररी लाइक आई मैंशन ठीक है एक मैंने डेट दे दी थी, थी अपने आप को जब मैं जनवरी में अपना मेन्स का टेस्ट लिख रहा था कि मुझे एक फेबररी से प्रिलिम्स की तैयारी स्टार्ट करनी है मुझे नहीं पता कितना हो पाया है मेंस का बट लकीली अगर प्रिलिम्स लकीली आई एम यूजिंग लकीली अगर प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मेंस में आई विल बी प्रिपेयरिंग बाद में है ना प्रिलिम्स uh, के बाद में ठीक है सो so, आपको आप अपने अकॉर्डिंग देखिए अगर आपका थोड़ा सा रहा है कि स्टैंडर्ड सोर्सेज नहीं कवर हो पाए हैं uh, समय से पहले ठीक है तो आप जनवरी से स्टार्ट करिए थोड़ा सा डाइसी माहौल हो गया है अभी प्रीलिम्स का तो कोशिश करिए जनवरी से अपना स्टार्ट करिए सी सैट कंटिन्यूसली करते रहिए है, है ना सोर्सेज मैंने मेंशन कर ही दिए मोटा मोटा वही है जो अदर टॉपर्स करते हैं न्यूज़पेपर कोशिश करिए पीटी रेफ़र कर सकते हैं बेसिक मिनिमम सोर्सेज यार है ना इन्वमेंट के लिए शंकर जो जैसे मैंने रेफ़र करा था जो मतलब ऐसा कुछ ना हार्ड एंड फ़ास्ट रूल नहीं है कि आपको यही करना है विजन में आपको मतलब मुझे लगता है बहुत डिसेंट सोर्सेज बहुत सही सोर्सेज अवेलेबल कराई करा, करा दिए जाते हैं एंड दैट इज़ प्रटी मच इट एंड में सब पी तो पढ़ रहे हैं है ना जिसको देखो वो यही है कि भाई पी तो पढ़नी है है ना तो इस फॉर्मों में मत रहिएगा कि uh, ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा डू बेयर मिनिमम विच एवरी वन इज़ डूइंग है ना एंड दैट इट सेल्फ क्रिएट्स द कॉम्पिटिशन इन दिस एग्जाम राइट हु एक्सेल्स द वन हु डज इट बेटर सिंपली एफिशेंटली डिलीजेंटली सिंसेयरली ठीक है फॉर मॉक टेस्ट्स आई वुड से प्रैक्टिस मॉक टेस्ट्स विद इन टाइम माउंड मैनर डोंट टेक योर स्कोर सीरियसली टू मच सीरियसली डू टेक दम सीरियसली ठीक है अगर दस बीस आ रहे हैं तो हाँ आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है राइट बट uh, ऐसा नहीं है कि इतने आ रहे तो मैं नहीं भाई इतना जजमेंटल नहीं होना इस तैयारी में मेरे तो अभ्यास में इतने कुछ खास नंबर भी नहीं आए थे मैं बताऊंगा भी नहीं कितने आते थे ठीक है बट इतने आ रहे थे कि मेरे को लगता था कि यार प्रीलिम्स तो कहाँ ही होगा ठीक है सो बी वेरी मतलब इस मामले में रिलेक्सड यार ये बहुत नॉर्मल है चीज़ों को नॉर्मलाइज करना सीखो डर लग रहा है नॉर्मल है सबको लग रहा होगा प्रीलिम्स ऐसा लग रहा है नहीं निकलेगा सबको लग रहा होगा भाई मुझे लग रहा था जो कह रहा है मुझे तो मैं तो कॉन्फिडेंट था मेरे झूठ बोल रहा है यार प्रीलिम्स का नेचर ही ऐसा है कि, कि किसी को नहीं पता होता इस बार निकलेगा नहीं निकलेगा वो एग्ज़ाम दे के आते हो उसके बाद थोड़ी गट फीलिंग बोल देती है कि शायद हो जाए ठीक है तब भी शायद रहता है ऑल मॉक टेस्ट में Uh, अभ्यास कोशिश करिए एंड जो भी अदर ओपन मॉक्स हैं उन्हें अटेंड कर सकते हैं आप जो भी अवेलेबल हैं उन्हें आप अटेंड करिए ओपन मॉक्स को कोशिश करिए ये चीज़ें बेटर रहती हैं रादर देन एक आ, बार 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 टेस्ट सीरीज़ को करके और उस पर क्रिप करना कि स्कोर नहीं बढ़ रहा ओपन मॉक्स अटेंड करिए है ना जिस जिसे कहते हैं ना गो आउट देयर एंड यू नो परफॉर्म है ना बिलीव इन दैट कि गो आउट देयर एंड परफॉर्म ओपन मॉक्स को अटेंड करिए ज़्यादा से ज़्यादा एंड थोड़ा सा लगेगा फिर हाँ यार ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक आने लगेगी अंदर से मार्क्स को थोड़ा सा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेते हुए राइट आइडियल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट्स आई वुड नॉट गिव अ नंबर स्पेसिफिकली लेकिन मेरे जो मैं बता रहा था मार्केट से सब्जेक्ट uh, स्पेसिफिक लाया था मैं देन फुल लेंथ वाले थे प्रीवियस ईयर इंक्लूड कर दूँ अभ्यास इंक्लूड कर दूँ जो और अदर ओपन मॉक्स अवेलेबल होते हैं अवेलेबल uh, कराते हैं मार्केट में वो उनको इंक्लूड कर दूँ तो समथिंग अराउंड थर्टी फाइव से फोर्टी मेरे लिए काम कर गए है ना एंड एक यार मैंने लोगों को सुनाया कोई कोई कहता है सो मॉक्स दे दिए थे मैंने दैट नंबर इट्सल्फ यू नो यूज़ टू स्केयर मी कि मैं सौ मॉक्स कहाँ से दे दूंगा यार मैं तो मतलब प्रिलियम uh, से पहले ही शहीद हो जाऊंगा सौ मॉक्स देते देते मेरी एफिशिएंसी तो एक कर्व होता है ना एफिशिएंसी का इस तरह से आ जाएगी तो सौ पे तो मैं कहीं वापस फिर आ वहीं आ जाऊंगा राइट सो मुझे पता था कि इतने दे दूँ कि लगने लगे कि अब उस जोन में आ गए हैं ना वंस यू एंटर दैट जोन सेफली एग्जिट दैट जोन राइट बिकॉज़ वहाँ से आपको यह है कि फिर रिविजन पर फोकस हो जाना चाहिए आपका रिवाइजिंग मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी का यूज़ करो मैं अपनी गैलरी अगर दिखाऊँगा तो इसमें स्क्रीन बहुत सारे हैं मैप्स के इन्फॉर्मेशन के, के कौन सी बॉडी कहाँ पे लोकेटेड है आते हैं इस तरह के क्वेश्चन है ना यूक्रेन के बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था इस बार प्रीलिम्स में तो वो यूक्रेन में वॉर चल रहा था गूगल मैप से खोल के स्क्रीन ले रखा था दट वर्कड दो नंबर दिला दिए उसने राइट सो इट हेल्प्स मॉक से एडवांटेज किस तरह से आप लें uh, ज़्यादा टाइम लगता है एनालाइज़ करने में वो यार एनालाइज़ एक ना रैशनल ह्यूमन बीइंग की तरह करो एक फुलिस ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं सॉरी टू यूज़ द वर्ड बट आप दो घंटे में आपने टेस्ट दे दिया ज़्यादा से ज़्यादा दो घंटा और आप यूटिलाइज कर लो बेसिक मोटे मोटे क्या है? हमने बेसिकली देखना है पहला तो किस एरिया से सबसे ज़्यादा मार्क्स कम हो रहे हैं एक ऐसी एक ऐसा जोन होता है इस उस पर्टिकुलर टेस्ट में कि यार इस चैप्टर ने अगर फुल एन दे रहे तो इस सब्जेक्ट ने स्कोर ज़्यादा कम कराया है ठीक है मॉक्स की ये यूटिलिटी है ये नहीं कि मार्क्स कितने आ गए यूटिलिटी ये है कि इस चीज़ ने ये चीज़ रोक सकती है मेरे को ज़्यादा स्कोर कराने में तो उसको आइडेंटिफाई करके उस पर काम करो ठीक है ऐसा नहीं है कि अगले दिन फिर मॉक देने बैठ गए उस गलती पे काम कर लो होगी होगी उस पर मेहनत अगला मॉक उठा लो राइट अपने अकॉर्डिंग तैयारी करो ऐसा नहीं कि मॉक की डेट ये तो उसी दिन मॉक देना है ट्राई करो उस तक वो में, वो मेंटेन रहे वो कंटिन्यूटी वो कंसिस्टेंसी बट थोड़ा सा अपने लिए भी एक एम्पेथी रखो है ना यू आर नॉट अ मशीन के जो ईओडी होता है ना एंड ऑफ द डे टाइमलाइन मीट करनी करनी है नहीं अपने अकॉर्डिंग रखो ओरिजिनलिटी मत लूज करो आई वुड यूज़ अगेन ठीक है एनालाइज का यही है स्कोर पे ना ध्यान देते हुए एरियाज आइडेंटिफाई करो गैप्स को भरो अपने प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन होती है वो ऐसा नहीं होती कि एक सब्जेक्ट एक टाइम पे पूरा तैयार हो गया वो ना कुछ एक इस तरह से होती है एक इमेज होती है जैसे स्टार्टिंग में वो इमेज ब्लर होती है उसके सारे पिक्सल्स अच्छे नहीं दिख रहे होते उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करते हैं इमेज को कुछ पिक्सल्स उसके एनहंस हो जाते हैं फिर एक बार ऑप्टिमाइज़ होती है तो ये जो स्टेजेस हैं ऑप्टिमाइजेशन की ये आपकी साइकल्स ऑफ रिविज़न है ठीक है तो रिवाइज करते रहोगे विल गेट द कॉन्फिडेंस एंड चीज़ें क्लियर होती रहेंगी राइट एंड टेक्नोलॉजी को अपने फेवर में यूज़ करो ठीक है सोशल मीडिया पर ज़्यादा बकर कर रहे हो तो उसको अवॉइड करो प्लीज़ है ना सोशल मीडिया को सेलेक्टिवली यूज़ करो ठीक है अच्छी बात है इंस्टाग्राम पे हो बाद में उसमें आई ए एस या आई पी एस जो भी है वो लग जाएगा अच्छी बात है मैं तो खैर नहीं यूज़ कर रहा था आई वॉज एक्टिव ऑन टू प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप फॉर माय फैमिली एंड फ्रेंड्स टेलीग्राम फॉर द कम्युनिटी है ना टेलीग्राम पे प्रीवियस ईयर टॉपर्स बहुत एक्टिव है मेरा भी चैनल है ठीक है सो <laughs> so, उससे रहता है हाँ इट्स रोहित त्यागी ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स इज़ माई डेट ऑफ बर्थ ऑल राइट वट शुड बी द आइडियल नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट वन मस्ट अटैम्प्ट द प्रीलिम्स मेरा जो नंबर था क्वेश्चन का वो सेवेंटी सेवन था यूल से कि तो काफ़ी कम है मतलब इसमें तो काफ़ी डाइसी सिचुएशन हो जाती है दस बारह दिन तक मुझे भी लग रहा था थोड़े कम अटेंड करके आया मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो आई थिंक नाइन्टी टू क्वेश्चन उन्होंने अटैम्प्ट करे थे समथिंग उसके अराउंड एंड उनके जी में तो वन हंड्रेड टेन बन रहे थे बट अगेन सी सैट वॉज सी सैट ने जो है वो रुकवा दिया उनका प्रीलिम्स तो एक्यूरेसी पे आई थिंक ध्यान देना चाहिए जिस तरह से पैराडाइम uh, चेंज हो रहा है सो so, एक्यूरेसी uh, पे ध्यान देना है आपको uh, थोड़ा सा मैं यही आपको इंसिस्ट करूँगा कि इतना एटलीस्ट मैं बोल पा रहा हूँ इस uh, चीज़ से कि सेवेंटी सेवन भी मेरे लिए काम करा है ना रीज़न बींग मैं अटैम्प्ट मैंने सबसे पहले देखो एक होता है कि अच्छा ये कंसीव्ड नोशन बना के मत जाना कि मेरे को तीन या चार साइकिल्स में एग्जाम अटैम्प्ट करना है भाई मैं पछता रहा था उस टाइम पे लास्ट के जब दस मिनट बचे थे वट माई गुड फ्रेंड डिड ही फर्स्ट डेड द क्वेश्चन ही वॉज श्योर अबाउट एंड देन वंस ही रियलाइज ना कि ये पेपर तो बड़ा डाइसी सा बना दिया इस बार उसने उन्होंने पूरा पेपर जो था वो एक बार में अटैम्प्ट कर दिया था फिर अकॉर्डिंगली फिर ज़्यादा टाइम स्पेंड करा हर क्वेश्चन में एनालाइज़ करने में है ना सो यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज राइट देयर ऑन ठीक है मैं थोड़ा सा इस मामले में पीछे रह गया मेरे को ये कर लेना चाहिए था ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते कुछ ऐसे क्वेश्चन भी छोड़ के आए हूँ जो हो जाते अगर पंद्रह मिनट और मिलते पंद्रह मिनट मिलते कैसे साइकिल्स के पीछे ना भागते हुए मान के चलता कि भाई करो या छोड़ो उस तरह से ठीक है तो आई थिंक समथिंग अराउंड यार ऐसा नंबर नहीं दूंगा मैं इट वेरीज़ सबके लिए सेवेंटी फाइव वाले भी सलेक्ट हुए होंगे जिन्होंने सेवेंटी फाइव क्वेश्चन हैं अगेन नाइन्टी टू वाले भी क्लियर कर रहे थे जी एस में सी सेट में तो यू हैव टू बी वेरी श्योर मैं बता देता हूँ प्रीवियस ईयर जब मैं करता था तो प्रीवियस ईयर तक इतना मेरे लिए सी सेट इतना हलवा सी सेट आता था कि मैं सिर्फ मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन करके ना समथिंग अराउंड फोर्टी टू क्वेश्चन कर लेता था एंड दैट वॉज इनफ टू क्लियर द कट ऑफ मैं प्रीवियस ईयर के मॉक्स प्रीवियस ईयर से ही मॉक्स लगाता था मैं ठीक है बट आई वॉज श्योर कि इस बार कुछ खेला तो होगा है ना एंड वट खेला हैपन्ड इज कि इस पोर्शन को इतना टफ बना दिया गया कि इंजीनियरिंग वाले भी इसमें स्ट्रगल कर रहे थे मैं खुद राइट सो बट आई ए स्ट्रेटेजाइज देर अच्छा जी एस वन में जो हुआ उससे मुझे वहीं राइट देर ऑन सीख मिल गई कि जी एस टू में ना ये गड़बड़ नहीं करनी इसमें राइट सो जी एस इन द सी सेट जी एस टू में मैंने क्या करा uh, मैंने ये देखा कि मैं मैथ्स में एक घंटा पंद्रह मिनट तक जितने क्वेश्चन हो पाए राइट इट वॉज समथिंग अराउंड ट्वेंटी सिक्स टू ट्वेंटी एट टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने हो पाएंगे जो छूटेंगे छूटेंगे यार ठीक है अगर मुश्किल है सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं हो रहा ना ठीक है तो देन आई स्विच टू इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लास्ट के 45 फाइव फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट्स मैंने सिर्फ इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन को दिए एंड इवन इन दैट मुझे पता था मेरे अजम्शन वाले जो आते हैं ना आई थिंक यू विल बी अवेयर सी साइड में अजम्पन वाले क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से ट्रिकी रह जाते हैं कई बार मैंने छोड़ दिया अजम्पन वाले अजम्पन को सर्कल करता था क्वेश्चन पे ये ऐसे नहीं करना अटैम्प्ट मुझे राइट सो आई वॉज वेरी क्लियर है ना मैं बता रहा हूँ कीप इट वेरी सिंपल ठीक है कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करोगे हाई तोबा मचाओगे जैसे बोलते हैं हाई तोबा की ये भी करना है वो भी करना है तो इट विल बी अ टफ सिचुएशन राइट तो यस शुड डिसीजन बी टेकन राइट देयर एंड देयर ऑन इन द एग्जाम और इट शुड बी प्री डिसाइडेड बेस्ड ऑन योर मॉक्स परफॉर्मेंस सो जैसे पैराडाइम चेंज हो रहा है डिसीजन शुड बी टेकन देयर एंड देयर ऑन एटलीस्ट आई कैन से दिस बाकी प्री डिसाइडमेंट में तो यही है अपने सब्जेक्ट्स को मान के चल सकते हो कि मेरा पॉलिटी अच्छा है मेरा इकॉनमी अच्छा है इनयरमेंट और साइंस एंड टेक के क्वेश्चन ठीक ठाक कर लेता हूँ मैपिंग मेरी अच्छी है तो कर लो यार उन्हें अटेंड पहले ना? तो है ना इट्स अ वाइज थिंग टू डू नंबर सी तो फेच करने हैं ना राइट एंड ऐसे मत मान के चलो इस बार कट ऑफ सेवेंटी फाइव गई है तो अगली बार गिरे क्या पता बढ़ जाए बच्चे भी तो अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं ना सभी राइट right? क्या पता एटी चली जाए एटी फाइव चली जाए पिछली बार की तरह ही आ जाए एटी सेवन पर ठीक है सो डोंट गो विद एनी प्री कंसीव्ड नोशन इस एग्ज़ाम में यही है ठीक है अपने आप पे बस भरोसा रख के जाना है कोई प्री कंसीव नोशन लेके जाना है तो ट्रस्टिंग योर सेल्फ कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर रहा हूँ घर पे जब मैं आऊँगा शाम को तो मेरा स्कोर अच्छा आ रहा होगा ये मान के चलिए आप राइट दिस वॉज वेरी मच अबाउट प्रिलिम्स अगर किसी को कोई क्वेश्चन है प्रिलिम्स स्पेसिफिक तो प्लीज़ पूछिए आई आई एम सॉरी एक थोड़ा लंबा मोनोलॉग हो गया आप लोग बोर भी हो गए होंगे प्रिलिम्स का कोई डाउट है किसी का अगर तो पूछना चाहे तो यस यस प्लीज फोर्टी थ्री डेज कैसे ये मैंने प्लान बनाए आगे का फोर्टी थ्री डेज आप बोल रहे हैं रह रहे हैं जैसे सिक्सटीन जून तक ओके आई गेस आपने अभ्यास और जो ओपन मॉक्स हैं कुछ दिए होंगे आपने बेसिक रिसोर्सेज भी अपने फॉलो कर लिए होंगे अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे राइट सो वट यू डू इज़ प्रिलियम्स से दस दिन पहले का प्लान बनाइए कि मुझे इन दस दिनों में कुछ नया तो करना ही नहीं है है ना ये तो एक बहुत कॉमन स्ट्रेटी है सब फॉलो करते हैं ये करनी पड़ेगी ठीक है नया उठाएंगे तो जो करा हुआ है वो ऑलरेडी वो भी वाइप आउट हो जाएगा मेमोरी से ओल राइट right, तो आप दस दिन का बनाइए भाई एंड uh, उसमें आप क्या करेंगे फिर रिवर्स वे में जाइए आप प्रीवियस ईयर टॉपर्स भी ये इंसिस्ट करते थे जब उनसे पूछा जाता था कि कैसे रखना है अपने अगले लास्ट के पचास दिनों को लास्ट के सौ दिनों को सो दे से दे इंसिस्टेड कि लास्ट से स्टार्ट करिए एंड दैट वर्कड मैंने डिसाइड करा हुआ था कि लास्ट के एक हफ़्ते में मैं कुछ नया नहीं करूँगा उसमें बिल्कुल जो अच्छा जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने वो कैसे जो मॉक में गलती होती थी उसको नोट कर लिया जो चीज़ें मोर ऑफन भूल रहा था पॉलिटी के कुछ आर्टिकल्स थे जिसमें कन्फ्यूज़ हो जाता था दोनों को साथ साथ लिख लिया अलग अलग पेन से छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं अपना बनाइए निश किसी को ऐसे क्लाउड में डाल दीजिए किसी को बॉक्स में डाल दीजिए किसी को ऐसे काइट में डाल दीजिए आपको यार फोटोग्राफिक मेमोरी वर्क्स यार फोटोग्राफिक मेमोरी वर्क्स डेफिनेटली अगर आप क्रिएटिव इनफ हैं ठीक है तो अपना रिवर्स में चलते हुए कि लास्ट के दस दिनों में ये ये मुझे जो भी शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा इकोनॉमी में पीटी से ही पढ़ूंगा है ना ग्लोसरी पढ़ लूंगा जो लास्ट में कई बार दी होती है वर्ड स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहे हैं वन लाइनर्स आ रहे हैं तो रिवर्स में चलिए आपकी जो रिविज़न जिसमें कम हो पाई है अभी कोशिश करिए उसको रिवाइज कर लीजिए ठीक है हो जाएगा फोर्टी डेज में इस तरह से आप रखिए मैक्सिमम रिविज़न स्टिकिंग विद पी वाई क्यूज़ मोर ऑफन एंड ऑफन एनालाइजिंग रॉन्ग ऑप्शन पे हाँ सॉरी मैंशन करना भूल गया प्रिलिम्स में जो रॉन्ग ऑप्शन होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं है ना सो so, उस पर भी अवेयर रहिए गूगल मोर ऑफन एंड ऑफन यूज़ करिए है ना दैट हेल्प स्क्रीन शॉट्स लेते रहिए अपने डिवाइस में टैब है मोबाइल है होता क्या है खाना खाते टाइम मोबाइल खुलता है बाई डिफ़ॉल्टा अब ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी हो चुकी है कि बग़ैर मोबाइल खोले खाना नहीं जाएगा अंदर राइट तो उसमें YouTube ना चलाते हुए अपनी इस गैलरी को स्वाइप करते रहिए दैट हेल्प्स यार अगेन फोटोग्राफिक मेमोरी ठीक है इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं आई थिंक सेटिस्फाइड ऑल राइट थैंक यू या थैंक यू एनी वन एल्स अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ क्वेश्चन 50-50 वाले होते हैं yes. तो उन्हें फर्स्ट रीडिंग में ही अटेम्प्ट करें या फिर सेकंड में या थर्ड में ओके okay, मैं कोशिश करता था जिसमें वेरी मच श्योर हूँ उसको पहले अटैम्प्ट कर लूँ जो फंस रहे हैं उनको ना एक बड़ा ही यूनिक सा साइन मेरा रहता था आ, हैश करके तो जिनमें मुझे ये था कि ये तो करके जाऊँगा ही अटैम्प्ट में घर बिना इसको अटैम्प्ट करे घर नहीं जा रहा मैं उस पर हैश मार देता था मैं ठीक है तो आ, उसको मैं करता था सेकेंड हाइड्रेशन में राइट एंड डिसाइड कैसे करना है जिसमें आपको लग रहा है कि यार दिस इज़ समथिंग विच आई हैव रेड एंड इट वेरीज मतलब आप देखिए अपनी एक्सपर्टीज़ में अपने रिकॉल करते हुए कि क्या मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन को देखा या मैं ज़बरदस्ती अपने आप को यकीन दिला रहा हूँ कि ये मुझे आता है है ना दैट पुट्स यू इन अ डाइसी सिचुएशन राइट अब नासा से या इसरो से कोई क्वेश्चन आ गया एवरीबडी नोज अबाउट इसरो बट बहुत स्पेसिफिक पूछ लिया तो गारंटी थोड़ी है कि यू आर अवेयर ऑफ इट अगेन है ना तो एनालाइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड उसको थोड़ा सा कोशिश करिए जो तीस बत्तीस क्वेश्चन तो इतने होते हैं तो ऑप्शन में, तो में जो है वेरी करने लगता है पहले में तो लग रहा था कि ये उसमें मतलब जो भी फैक्ट्स आते हैं दिमाग में लेकिन जब हम दूसरी रीडिंग पर आते हैं तो उसमें ये भी होता है कि ये भी फैक्ट्स हमें लग रहा है तो वहाँ पे किस तरह से चुनाव करना है मतलब जैसे अच्छा आँ... यार यूजली मैंने नोटिस करा है जो हमारा नेचुरल इंस्टिंट अंदर से बोलता है ना कि ये इसका आंसर है एट्टी परसेंट टाइम्स वही होता है वैसे <laughs> क्योंकि आपने पढ़ा है वो ठीक है नॉट बिकॉज के वो चीज़ फैक्चुअल uh, बहुत ज़्यादा है हर जगह वो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है ठीक है तो आप उसके साथ थोड़ा सा ट्राई करिए टेस्ट सीरीज में अगर वर्क कर रहा है तो आई थिंक एक्यूरेसी आपकी यू नीड टू प्ले ऑन दैट ठीक है बट डों बट डू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ऑल राइट अप्लाई इन द मॉक्स एंड देन बाद में मत बोलना रोहित त्यागी ने ऐसा <laughs> बोला था तो, तो प्रीलिम्स इसलिए रुक गया ठीक है सो बी वेरी रैशनल अबाउट इट थैंक यू या थैंक यू एनी ओके इसमें व्हाट आई डिड इज पीटी थ्री सिक्सटी फाइव में ऑर्गेनाइजेशंस uh, की टेबल आ जाती है एक है ना अपेंडिक्स जिसमें वो अटैच करते हैं सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल ठीक है एंड इफ़ पॉसिबल जो प्रीवियस ईयर में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस पूछी गई हैं उनकी कुछ सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो उनके साथ में मिलकर कोई नया फंड बना रहे हैं आर यू गेटिंग में जैसे वर्ल्ड एनवामेंट फैसिलिटी है उसका बहुत इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन है अलग अलग इनिशिएटिव में तो वर्ल्ड एनवाट फैसिलिटी इंपॉर्टेंट है तो जो उसके जहाँ पे उसकी फंडिंग जा रही है उसके थ्रू वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो इस तरह से कुछ अप्रोच रखिए स्पीशीज़ में भी यही है बिग कैट अलायंस बना राइट तो बिग कैट्स जो है वो कवर होने चाहिए उनका नीच क्या है वो किस जोग्राफिकल लोकेशन में है राइट अब जिस जोग्राफिकल लोकेशन में वो है वहां से कोई रिवर भी जा रही होगी ऑल राइट आप उसको ट्रैक करते रहिए कौन सी रिवर जा रही है समझ रहे हो एंड नेशनल पार्कस कौन से ऐसे हैं जहाँ पे वो अवेलेबल हैं एंड सेंचुरीज कोई ऐसी बनाई है गवर्नमेंट को कोई को ऐसा इनिशिएटिव रहा है कुछ फंडिंग आई है क्या मिनिस्ट्री से स्पेसिफिकली स्पीशी के लिए अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के को सीरियसली लेते हुए uh, वो बोला है कि भाई ये जो तारे हैं इसको आप करिए कोशिश के अंडरग्राउंड करा जाए सो सी इट्स अ हिंट के उस तरफ शायद मामला चला जाए इस तरह से आप अप्रोच रखिए सर फॉर इकोनॉमिक सर फॉर इकोनॉमी पी एंड न्यूज़पेपर प्लस आपका जो बेसिक फंडामेंटल रहेगा वो कोचिंग के नोट्स ठीक है मैंने कोचिंग नहीं ऐसा उसके लिए ली थी तो मेरे तो जो मैंने रेफर करा था सोर्स बट क्योंकि आप पढ़ रहे हैं कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग के नोट्स या जो भी आप बेसिक सोर्स फॉलो कर रहे हैं है ना कुछ अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स है ना बुकलेट्स आती हैं जो बहुत फेमस हैं और इफेक्टिव हैं उनको बेसिक बनाते हुए ऑन टॉप ऑफ दैट न्यूज़पेपर एंड पीटी बट सम सम टॉपिक क्वेश्चन इज नॉट कमिंग फ्रॉम द नोट्स सर Some... यार सो यू हैव टू बी रैशनल ना अगर नहीं आ रहा तो मतलब तुम्हारा छूट रहा है तो आई थिंक और भी दस जने तुम्हारे साथ जो बैठे हैं उनका भी छूट ही रहा होगा यू यू शुड नॉट डू ईच एंड एवरी सब कुछ ही नहीं करके जाना यू हैव टू बी जजमेंटल इनफ के इतना मैं कर लूँ और इसी में अच्छे से कर लूँ सो दिस विल हेल्प मी लॉट चार सवाल नहीं आ पा रहे उसकी जगह आप ध्यान दीजिए कि दस सवाल मेरे तैयार होके जा रहे हैं सर इन जोग्रफी फिजिकल जॉग्रफी क्वेश्चन कम फ्रॉम द एनसीआईटी सर बट इन हुमैन जोग्रफी इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन माई ऑप्शन वॉज जोग्राफी सो आई वॉज लिटिल कॉन्फिडेंट इन दैट बाकी वट यू कैन डू इज इलेवेंथ ट्वेल्थ की एन सी आर टी आप फॉलो करिए ही करिए दोनों मतलब चारों एनसीआरटी दो इलेवेंथ की दो ट्वेल्थ की जी सी लियोंग में आई थिंक फिजिकल जोग्राफी ज़्यादा बता रखा है फिजिकल ही बता रखा है ठीक है जी सी लियोंग अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा वैसा सोर्स हो गया कि एक समय था जब उसने राज करा था अब उसको थोड़ा सा किनारे कर रहे हैं सब मैंने जी सी लियोंग एक बार पढ़ी थी फिर उसके बाद कभी देखी भी नहीं वो तो पार्ट भी था मेरा उसका कि यार एक आइडिया और मिल जाए जोग्राफी के परस्पेक्टिव में बाकी ट्वेल्थ की एन सी आर टी इज़ आई थिंक वेरी मच इन्फॉर्मेटिव ऑन द ह्यूमन जोग्राफी पार्ट जोग्राफी में योर अप्रोच शुड बी मैप बेस्ड आई आर में एंड जोग्राफी में मैप बेस्ड अप्रोच आई थिंक रखिए तो उससे फ़ायदा रहेगा एंड hmm. जो कॉन्सेप्ट हैं जो जस्ट मैंशन भी न, है एन सी आर टी में ना उनको गूगल करते रहिए जानते रहिए सी बी वेरी यू नो अ पर्सन हु इज़ वेरी ईगर टू लर्न अबाउट थिंग्स नॉट जस्ट हु इज़ प्रिपेयरिंग इन अ फोम हो के अच्छा ये भी करना है वो भी करना है वो तो उसने तो वो भी कर लिया था तो, तो मैं भी करूँगा hmm. नहीं बी वेरी यू नो ब्रॉड माइंडेड कि अच्छा ठीक है ये चीज़ भी है It's good to learn about it, sir. Till uh, I am not consistently follow the newspaper, can I only rely on PT or uh, any? Definitely. Regulation? See, don't regret in your preparation. That I source follow. So this will hamper my preparation. No, my friend, there is there are as many ways to crack this exam as the number of uh, selected candidates. Everyone says that I also believe in that. Okay, no one is. डूंग द सेम थिंग एक्जैक्ट सेम थिंग विच अदर कैंडिडेट वॉज डूइंग राइट आई आई मैंशन के लोग पी uh, टी से पढ़ के भी निकाल रहे हैं ठीक है इट्स जस्ट दैट सी देर इज़ वन थिंग मेरा पहला अटैम्प्ट था सो आई फॉर्मली बिलीव इन न्यूज़ पेपर हो सकता है मैं दूसरा तीसरा अटैम्प्टता तो शायद मैं भी छोड़ देता न्यूज़ पेपर राइट बिकॉज एक वो अंडरस्टैंडिंग मिल गई इशूज़ की एंड पी टी या फिर मंथली मैगजीन वो इशूज़ तो आपको इंट्रोड्यूस करा ही रहा है राइट सो ज़रूरी नहीं है उसमें पढ़ना कुछ पीटी और मेंस 365 जो होती है वो आपको इशू से अवेयर करा रही है एंड इतने व्यूज हो जाते हैं आपके कोमुलेटिव जो समय पे जुड़ते जाते हैं जुड़ते जाते हैं सो डोंट रिग्रेट एनी कि वो छूट गई जो छूट गई वो छूट गई आगे देखो एनी वन एल्स ऑल चलो मेन्स का डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा मटेरियल सोर्सेज स्ट्रेटजी जी एस वन टू थ्री फोर रिवर्स से स्टार्ट करता हूँ एथिक्स कोचिंग नोट्स बहुत सही है मतलब uh, मैंने खुद इवन uh, जो मटेरियल में अवेलेबल सोर्सेज uh, होते हैं uh, इसके लिए एथिक्स के लिए उसको अपना फंडामेंटल बनाया एंड उसको बार बार ना पढ़ के ना मैंने पहली देखो एथिक्स एक ऐसी अकेली चीज़ थी जिसमें मैंने शॉर्ट uh, नोट्स पहली बारी में ही बना लिए थे यू नो बिकॉज बार बार वो पढ़ के ना थोड़ा सा देखो एथिक्स इज़ वेरी नेचुरल आप पढ़ के ना ये नहीं कह सकते ये कुछ नई चीज़ सीखी है राइट right? होता है कई बार के लगता है अच्छा ऐसे एक जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं जैसे कोई थ्योरी हो गई किसी की है ना प्रिंसिपल्स हो गए सर्टन फिलासफर्स के बट सब चीज़ें तो वही हैं जो हमारे बीच में हैं ओल राइट सो जस्ट ट्राई टू लुक एट द सिलेबस जो की हैं उनको आप लिख लीजिए राइट एंड जस्ट मेक योर नोट्स लीव सम स्पेसिस एडिशन चलता रहना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें आप टॉपर नोट्स को ज़रूर ज़रूर इंक्लूड करिए उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं टॉपर्स ने राइट सो प्रिटी मच जी फोर बहुत सिंपल है जो भी आप कोचिंग नोट्स हैं आपके उसको फंडामेंटल बनाते हुए वैल्यू एडिशन इमेंस वैल्यू एडिशन ठीक है बी क्रिएटिव यूज़ ग्राफ्स राइट टू रिप्रेजेंट समथिंग कोई भी चीज़ है एप्टीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए या uh, सिविल सर्वेंट में जो क्वालिटीज़ होती हैं तो उसको आप दिखा सकते हैं एक पेंटागन एक हेक्सागन के फॉर्म में उसमें वो एडवर्टिस uh, पे आप दिखा सकते हैं कि ये क्वालिटीज़ हैं दैट यू बाय दैट वे यू यूटिलाइज द स्पेस वेरी वेल एंड आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है मेन्स में राइट जी एस के लिए आई वुड से इकोनमी के लिए जो भी आपके स्टैंडर्ड नोट्स हैं दे आर मोर देन एनफ मेन्स थ्री सभी के लिए पढ़नी है जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं मेंस 365 इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन आई एम सेइंग मीन्स इज इज एन एग्जाम विच इज इशू स्पेसिफिक राइट क्वेश्चन आर आज ऑन द इशूज एंड मीन्स थ्री सिक्सटी फाइव एड्रेसिज दैम वेरी वेल राइट एंड इफ पॉसिबल प्रिलियम्स और मेन्स के बीच में तो यार डेफिनेटली न्यूज पेपर पढ़िए दो न्यूज पेपर वो आपके ऊपर आपकी डिस्क्रिप्शन है वट एवर यू लाइक ओके बट आई रेट हिंदू एंड एक्सप्रेस सो आई कैन से हाँ उसने हेल्प करा गेव मी अ ब्रॉडर पर्स्पेक्टिव नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द मटीरियल विच इज देयर

साइंस एंड टेक में अगेन मेन्स थ्री सिक्सटी फाइव न्यूज़ पेपर्स साइंस कॉलम स्पेसिफिकली दो न्यूज़ पेपर्स का साइंस कॉलम फॉलो करते रहिए बहुत चीज़ें कवर हो जाती हैं जी एस थ्री थोड़ा सा फैक्चुअल आने लगा है आजकल ठीक है इस बार तो आई थिंक चंद्रयान थ्री का क्वेश्चन पूछा था उसमें हाँ उसकी वही पूछ लिया कि चंद्रयान थ्री कौन से जो अपेरेटस था उनको कैरी करके ले गया था राइट तो ये कैसे मुझे पता था बस पीटी की तैयारी से थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें याद थी कि क्या क्या सामान है और उसका काम क्या है बस उसी को बना के लिखना पड़ता है उस टाइम थोड़ा सा है ना उस टाइम पे अपने आप को आप इतना रखिए क्रिएटिव कि आप बना पाए आंसर वो आंसर राइटिंग से आ जाएगा कुछ बचा जी एस थ्री में इंटरनल सिक्योरिटी आई थिंक है ना इंटरनल सिक्योरिटी में आप रेफ़र कर सकते हैं स्टैंडर्ड एक नॉट स्टैंडर्ड बट यूजअली प्रेफर्ड एक बुक है पतली सी आई uh, थिंक वो रिटायर्ड आईपीएस हैं और आई uh, थिंक

एक साल पहले भी था अभी तो कम हुआ है बहुत द गवर्नमेंट हैज़ डन अ ट्रिमेंडस जॉब बट अभी भी है नक्सलिज्म का इशू कारण क्या है नक्सलिज्म के वो भी सेम रहेंगे फॉर एग्जाम्पल है ना टॉकिंग अबाउट सम अदर थिंग बेसिकली ए आई वट विल ए आई डू अभी भी तो वही चीज़ है ना जनरेटिव ए आई आ चुका है अब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आने वाला है उसके रेपरकशंस हो सकते हैं क्या सोसाइटी पे तो मेन्स उसको मेन्स थ्री सिक्सटी फाइव उसको एड्रेस तो कर ही रही है सो so, दो साल की मीनस थ्री सिक्सटी फाइव मैंने पढ़ी थी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री राइट ट्वेंटी टू वाली कब पढ़ी थी पूछोगे वो उस टाइम पढ़ी थी जब टेस्ट सीरीज़ लिख रहा था अक्टूबर से जनवरी के बीच में कहीं ना कहीं उसी दौरान ये सब चल रहा था स्टैंडर्ड सोर्सेज प्लस पिछले साल की मींस थ्री सिक्सटी फाइव राइट जी एस टू में प्रटी मच वही है लक्ष्मीकांत है आपकी वैल्यू वैल्यूएडेडेड मटीरियल है सब में वैल्यू वैल्यूएडेड मेटीरियल डेफिनेटली एड ऑन कर सकते हैं राइट right. अब बोलोगे इतना सारा कुछ हो जा रहा है हाँ यू हैव टू बी एफिशेंट फटाफट फटाफट जो बेस्ट लग रहा है नोट्स में शामिल करिए आगे बढ़िए है।, है ना टेम्पलेट तैयार हो जानी चाहिए मेन्स के आंसर राइटिंग के लिए दैट इज़ वट यू एक्चुअली डिलीवर इन द एक्चुअल एग्ज़ाम राइट वही होता है यार मैंने नोट्स बना दिए थे अच्छे खासे इतने मोटे बट वट एक्चुअली हेल्प मी जो उनको कंसाइज करके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे एग्ज़ाम में जाने से पहले वही देख के जाते हैं और दिमाग में भी वही आता है ओल राइट क्वालिटी हो गई देन आई आर पार्ट के लिए न्यूज़पेपर एंड मेन्स थ्री सिक्सटी फाइव आर सफिशेंट डोंट रन बिहाइंड आई आर के लिए मैं अलग से नोट्स पढ़ूँ पी एस आई आर अगर आपका ऑप्शनल है तो बहुत ही बढ़िया है ठीक है गवर्नेंस पार्ट में अगेन वैल्यूएडेड मटेरियल विजन का इज़ वेरी सुपर मैंने वो फॉलो करा था इसमें राइट एंड मेन्स थ्री सिक्सटी फाइव अनडाउटेडली हर सब्जेक्ट के लिए जी एस वन में मैं बता देता हूँ जोग्राफी मेरा ऑप्शनल था अलग से नहीं पढ़ा था uh, आप इलेवन ट्वेल्थ की एन सी आर टी पढ़िए वो मोर देन एनफ है वैल्यूडेड मटीरियल की ज़रूरत पड़ रही है कॉम्प्लीमेंट करने की तो आप वो पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रम uh, मेरी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए रही थी उससे अलग कुछ भी नहीं था एनशेंट एंड मेडिवल आई थिंक इतना पूछते ही नहीं हैं तो एनशेंट मेडिवल प्रिलिम्स के लिए पढ़ा था बस उसी की जो कम्युलेटिव नॉलेज थी वो यूज़ हो जाती है अगर आता कुछ ऐसा ठीक है एंड वर्ल्ड हिस्ट्री रिस्की चीज़ है छोड़ के जाओगे तो भी करके जाओगे तो भी रीज़न वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा टाइम तो मांगती है हिस्ट्री uh, ऑप्शनल है वेल एंड गुड अगर टाइम है इफ़ टाइम परमिट्स प्रिपेयर इट अदरवाइज बी अ पर्सन हु इज़ रैशनल इन थिंकिंग के यार अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आई विल जस्ट राइट समथिंग ठीक है टॉपर्स uh, कुछ कुछ हैं जो सेलेक्टेड हैं वो बोलते थे कि वर्ल्ड uh, हिस्ट्री क्योंकि उसका या तो एक भी क्वेश्चन नहीं आता है या ज़्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन आता है वर्ल्ड हिस्ट्री से सो इट इज़ अप टू यू इफ टाइम परमिट्स दो तीन दिन में निपटा लो सोर्स बता देता हूँ श्रेयांस कुमत सर हैं सेलेक्टेड दो हज़ार अट्ठारह में है ना सो आई रेफर टू हिज नोट्स ओनली उन्होंने नोट्स कुछ बीस बाईस पेज के उनके नोट्स हैं वो बना रखे हैं बहुत ही बढ़िया सोर्स है Uh, वही अगेन जैसे मैंने नोट्स बनाए कहीं ना कहीं उससे सीखते हुए वन एक चीज़ पकड़ी वर्ल्ड वॉर वन पकड़ा उन्होंने जस्ट ए फोर साइज शीट ली आगे और पीछे वर्ल्ड वॉर वन की जो भी इन्फॉर्मेशन थी ही पुट इट देयर बस मैंने उन्हीं के नोट्स को मैं पढ़ के चला गया अलग से अपने बनाए भी नहीं ठीक है उसी में प्रिंट निकाल के हाईलाइट वग़ैरह कर लिया जो भी मुझे याद रखना था कि मैंने कहा यह चीज़ सर को इंपॉर्टेंट लगी मुझे नहीं लग रही इतनी राइट right. सो so, इतना भी क्रिएटिव रही है, है ना जरूरी नहीं है कि जो आज मैं बता रहा हूँ वो सारा काम का ही हो आपके लिए है ना उस पर कुछ कुछ हो सकता है कुछ नहीं भी हो सकता है राइट सो दिस वॉज वेटी मच अबाउट द सोर्सेज स्ट्रैटेजी यही है नोट्स को इतना एफिशेंटली बनाइए कि कंसाइज बन जाए डिपेंडेबल बन जाए कि आपको अपने एटलीस्ट नोट्स पे भरोसा रहे जहाँ से वो बनाए गए हैं सोर्सेज वहाँ पे भरोसा रहे और आपका फोकस बस टाइम मैनेजमेंट पे और क्वेश्चंस को पूरा करने में रहे राइट right. बिकॉज

चलो ठीक है वो एक बात होती है जो पूरे करके आए उनका भी रुक जाता है बट अगैन द डिसाइडिंग फैक्टर इज़ के कंटेंट क्या डिलीवर करके आए हो है ना एंड वैल्यू एडिशन के लिए मेन्स 365 प्लस जो टॉपर्स के नोट्स हैं टेलीग्राम पे पूरी सब टॉपर्स के चैनल हैं यार देखोगे सब मिल जाएगा मैं कोशिश करूँगा अपने पे डाल दूंगा जो वैल्यू एडिशन है वो बहुत बहुत बेसिक चीज़ें रहती हैं ठीक है कि जी में प्रोडक्शन इस सेक्टर का इतना रहा नक्सलिज़म इस डिस्ट्रिक्ट में जब इस एरिया में इतने परसेंट से इतना परसेंट हो गया है ना बहुत फैंसी चीज़ों के पीछे मत भागी आप आ, मेंस में मेंस में स्ट्रक्चरिंग शुड बी सच के आप बहुत सिंपल रखिए अपनी तैयारी को और जो बेसिक सोर्सेज हैं उसको अपना फंडामेंटल वो बनाते हुए बस उसमें वैल्यू एडिशन आप डालते रहिए पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है मैं अपनी स्ट्रेटजी बता देता हूँ स्टार्टिंग में दस नंबर के पाँच क्वेश्चन उसके बाद पंद्रह नंबर के सारे क्वेश्चन लास्ट में जो बचे हुए छः से दस क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सिक्स टू टेन वो रीज़न बींग अगर इन द वर्स्ट केस एग्जाम छूटता भी है तो दस नंबर वाले दो तीन क्वेश्चन छूटें रादर देन पंद्रह नंबर वाले दो तीन क्वेश्चन छूटें ठीक है सो so, मार्क्स तो फिर भी देखो पहले सिनेरियो में जो मैं मैं यूज़ कर रहा था उसमें कम मार्क्स कटेंगे अगर पंद्रह नंबर वाले छूटते हैं ना सो दैट इज़ वेरी यू नो डीमोटिवेटिंग उस टाइम पे कि यार छूट गया वो आगे जीएस वालों में uh, गलत असर डालेगा हाउ आई रियलाइज्ड इट पहला टेस्ट uh, सीरीज का पहला जो है मैंने अपना मॉक लिखा था फुल लेंथ था फर्स्ट टू लास्ट अटेम्प्ट कर रहा था तीन क्वेश्चन पंद्रह नंबर के छूट गए थे ज़्यादा मार्क्स कटे सेकंड पेपर लिखा क्वेश्चन उसमें भी दो तीन छूटे थे बट वो दस नंबर वाले छूटे थे बिकॉज आई लेफ्ट सिक्स टू टेंथ फॉर द लास्ट राइट तो मार्क्स ऑटोमेटिकली उसमें ज़्यादा आए सेकेंड वाले में राइट right? सो so, अपने अकॉर्डिंग आप प्लीज़ देखिए वन वन शुड स्टार्ट प्रैक्टिस आंसर राइटिंग प्रिलिम्स से प्रिलिम्स की तैयारी स्टार्ट करने से दो तीन महीने पहले तो एटलीस्ट करिए गुड अमाउंट ऑफ टेस्ट लिख लीजिए कि आपको प्री के बाद एक ये ना रहे कि यार इतने सारे टेस्ट लिखने हैं प्री और मेन्स में जो मैंने टेस्ट लिखे थे अपने हाथों से वो कम थे जितने मैंने प्री से पहले मैं लिख चुका था ठीक है मैं बहुत ईमानदारी से बताऊँगा मैंने प्री और मेन्स के बीच में इतने टेस्ट नहीं लिखे जितने मैं प्री से पहले लिख चुका था अक्टूबर से जनवरी के टाइम में एंड कहीं ना कहीं वहाँ से कॉन्फिडेंस आई गेंड कि मुझे प्री और मेंस के बीच में इतनी हाई तोबा नहीं मचानी है मेरी आंसर राइटिंग ठीक है और मेरी राइटिंग ठीक है मेरी जो है लिखने की स्पीड भी ठीक है अचीवेबल है और वो आ जाती है यार स्पीड जब अभ्यास वगैरह दोगे या कोई सिमुलेटर वगैरह ऐसे तो आ जाती है स्पीड तो स्ट्रक्चरिंग का अगेन इंट्रोडक्शन बॉडी कॉन्क्लूजन के फॉर्मेट में विद अप्रोप्रिएट हैडिंग्स हैडिंग सच दैट दे एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली

डायरेक्टली हेल्प करें कि एग्जामिनर अगर चेक कर रहा है कि हाँ यार इसने बहुत सही स्टार्ट करा है आखिरी के दो तीन पॉइंट में यू कैन आई वो नॉट से ब्लफ बट वो कंटेंट लिखिए जो आपको पता है बट कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली कर रहा है डायरेक्टली नहीं सप्लीमेंट uh, कर रहा है आपके आंसर को राइट right. अब कहते हैं कि बड़े फैंसी कंक्लूजन लिखने हैं यार यू आर गेटिंग दिस फ्रॉम अ गाय हु हैज़ नेवर बिलीव्ड इन सच थिंग्स हु हैज़ ऑलवेज केप्ट द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन वेरी सिंपल जहां हो पाता था ऑप्टिमिस्टिक कोर्ट लिख देता था कॉन्क्लूजन में कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए दैट इज वट आई एम सेग राइट इफ नक्सलिज्म पे क्वेश्चन है या किसी और इशू पे क्वेश्चन है सो यू शुड एंड केयर द इंडिया हैज अ विजन ऑफ सो एंड सो बिकॉज इट इज द राइट थिंग टू डू राइट एज एज एस्पायरिंग ब्यूरोक्रैट यू शुड भी ऑप्टिमिस्टिक एंड अ कंक्लूडिंग नोट इज समथिंग विच कंसाइजेज योर होल एवरी थिंग इन योर आर्टिकल योर आंसर्स आर नथिंग बट योर आर्टिकल्स विच आर राइटिंग ऑन द इशूज़ विच आर प्रजेंटेड बाय द कमीशन इन फ्रंट ऑफ यू राइट सो ऑप्टेमिज़म उसमें दिखाइए इंट्रोडक्शन में नहीं आता कुछ तो उसको डिफाइन करिए आर्टिकल से रेफर करिए कॉन्स्टिट्यूशन के है ना उसको अपने आप में डिफाइन कर देना भी तो एक इंट्रोडक्शन ही है ना उस चीज़ का कोई डेटा याद आ रहा है तो उसको डाल दीजिए मैं भी यही करता था दस में से दो सवाल में डेटा याद आ गया उसको लिख दिया राइट अगेन सिंपल रखिए वेल्यूडेशन इतना कर चुके हैं कि बहुत सही सही इंट्रोडक्शन बन रहे हैं बेस्ट बहुत बढ़िया नहीं हो पा रहा डोंट क्रेव अबाउट इट कीप इट वेरी सिंपल राइट सो दिस वॉज प्रेटी मच के इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन कैसे करना है मोर देन टू पार्ट्स हो सकते हैं तो बॉडी में भी दो हेडिंग्स बनेंगी या मोर देन टू हेडिंग्स बनेगी लोग कहते हैं डायग्राम्स बनाइए मैंने इतने नहीं बनाए थे जोग्राफी में बना दिए थे एथिक्स में बना दिए थे ठीक है बाकी आप लिखिए जो पैराग्राफ्स में लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है ऐसा नहीं है पॉइंट्स में लिख के ही मेन निकल रहा है ठीक है मेंस निकल रहा है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस करी गई है इसलिए नहीं कि पॉइंट्स जनरेट करे गए हैं वो बिंदियाँ बनाइए नहीं मेंस इसलिए निकल रहा है क्योंकि डिमांड को डायरेक्टली आप हिट कर रहे हैं राइट दे एंड दे रोन प्रायोरिटाइज करके सिर्फ पॉइंट्स में लिख रहे हैं इसलिए नहीं जो पैराग्राफ में लिखते हैं वो अपनी ओरिजिनलिटी को बरकरार रख सकते हैं मैं बोल रहा हूँ रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है वट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ इट द थिंक दैट यू शुड अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चन और अटैप्टेसर नंबर ऑफ क्वेश्चन विद बेटर क्वालिटी कंटेंट वट इज यू स्ट्रेटेजी प्रायरिटाइज जो क्वेश्चन आते हैं अच्छा इसमें भी uh, एक से पाँच तक सारे क्वेश्चन अच्छी तरह नहीं आते होंगे तो उस एक से पाँच में एक क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा है कि आपको आइडिया ही नहीं है उसका भाई उसको छोड़ दीजिए छठा क्वेश्चन कर लीजिए अल्टीमेट एम ये है कि पंद्रह नंबर वालों को सारों को अटेंड करने से पहले मैं कोई पाँच दस नंबर वाले कर लूँ अटेंड राइट हुआ था मेरे साथ जी एस वन में हुआ था वो वैदिक वाला एक क्वेश्चन आ गया था मैंने उसको लास्ट के लिए छोड़ दिया था आई थिंक वो स्टार्टिंग का ही कोई क्वेश्चन था मैंने आई थिंक एट्थ या नाइन्थ क्वेश्चन पहले कर लिया था सी द थिंग इज लास्ट वो पाँच चार पाँच क्वेश्चन बचे होने चाहिए एंड के लिए टेन नंबर वाले उससे पहले फिफ्टीन वाले सारे हो जाने चाहिए फिफ्टीन में ट्राई करो कि कुछ छूटे ना मतलब कि बाद में कर लूँगा उसमें यार एक बार लगे यहाँ से उसको एंड तक लिख डालो ऐसा हो सकता है कि यू डोंट नो द कॉन्टेंट्स थोड़ा सा वैल्यूडेशन भूल रहे हैं इसका इंट्रो बॉडी में गड़बड़ है क्या पता याद आ जाए उसको छोड़ दो बट अगेन वो दस के दस क्वेश्चन जो है फिफ्टीन मार्कर उनको एक साथ अटैम्प्ट कर लीजिए प्लीज उसको बाद के लिए मत छोड़ना आप दैट इज दिस इज वट आई डिड राइट सो अटैम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चन इज़ वेरी नेसेसरी डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ओवर योर कंटेंट एम्पल नंबर ऑफ रिविजन और कंसाइज नोट्स बना के गए हैं थोड़ा सा फोटोग्राफिक मेमोरी पर भरोसा रखेंगे तो इट विल वर्क आउट क्वालिटी भी अच्छी रहेगी राइट बट अटैम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चन इज़ वेरी मच नेसेसरी आई कैन से दैट For ethics पेपर सोर्सेज uh, मैंने बता दिए थे तैयार कुछ इस तरीके से करा था uh, जो 2021 के टॉपर थे शुभम कुमार सर मैंने उनके नोट्स देखे वही तीन चार पेज वाले <coughs> वहाँ से कुछ सीखा वहाँ से ये सीखा कि चीज़ को डिस्क्राइब करने के ना कई तरीके होते हैं उसमें से एक तरीका है ग्राफिकल मेथड फैंसी तरीके से एक चीज़ को एड्रेस कर देना राइट द वे ही मेड हिज नोट्स एंड आई एम श्योर उन्होंने वही यूज़ करा होगा एग्जाम में बिकॉज नोट्स ही लिख के आते हैं यार आप अपने उस एग्जाम में ऑल राइट सो कहीं ना कहीं आप आ, अपने नोट्स को इस तरीके से बनाइए कि आप उसको एग्जाम में डायरेक्टली रेप्लीकेट करके आ पाएँ ठीक है तो अप्रोच मेरी एथिक्स के लिए यही रही कि अपने नोट्स को इसी तरह बनाया मैंने जो मैं वहाँ लिख के आ पाऊँ यूजिंग दोज हेक्जगन पेंटगन दो सर्कल्स दोज एरोज फैंसी थोड़ा थोड़ा राइट कोट्स वगैरह अच्छा एथिक्स में आई आई मेंशन वन थिंग एथिक्स में देर वॉज वन क्वेश्चन वट आर द टीचिंग्स यू यू हैव गेंड फ्रॉम गुरु गोबिंद सिंह जी इज एनी वन अवेयर ऑफ दिस क्वेश्चन एथिक्स के इस क्वेश्चन से राइट सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट आई आंसर मैंने उसको आंसर मतलब उसको कैसे मैंने जवाब दिया था भाग मिलखा भाग एक मूवी है मैंने कुछ दिन पहले ना थोड़ा सा वही खाना उना खाते टाइम उसके शॉर्ट्स देख रहा था मैं राइट तो उसमें गुरबानी है राइट आ, जब वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं मिल्खा जी तो उसमें कुछ इस तरह से था कि नानक नाम जहाज़ है चढ़े सो उतरे पार जो शरदा कर सेवदा गुरु पार उतारन हार राइट सो मेरे को अच्छी लगती थी वो कभी बस थोड़ा सा होता है ना यूपीएससी की तैयारी के दौरान आप चीज़ों को एनालाइज़ करना स्टार्ट कर देते हो कि अच्छा ये इस तरह से है इसका मतलब ये है तो बस वही थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई उसको सर्च कर डाला गूगल पे उसका वर्ड आ गया कि गॉड इज़ अ इज़ लाइक अ शिप राइट इफ़ यू ट्रस्ट इन दैट शिप इफ़ यू यू नो हैव योर फेथ इन दैट शिप दैट शिप विल टेक यू टू सच अ प्लेस वेयर ऑल योर वरीज एंड ऑल द वर्ल्डली थिंग्स यू नो उसके उसके पार आपको वो उतार देगा इस तरह से सेल्वेशन यू विल अचीव सो आई यूज दिस कोट इन दैट गुरु गोविंद सिंह जी के आंसर में माई ओपनिंग इंट्रोडक्शन वॉज दिस कोर्ट ओनली सी क्रिएटिविटी थोड़ा सा हेल्प करती है यार है ना तो एक अवेयर कैंडिडेट की तरह प्लीज़ थोड़ा रहिए आप एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प कोर्ट्स ऐसे नहीं है कि टॉपर्स के नोट्स से मिलते हैं आपकी डेली दिनचर्या से भी नोट्स जो कोर्ट्स हैं वो डेवलप हो सकते हैं राइट एंड देर इज़ वन मोर कोर्ट विच आई डिड नाट यूज बट आई फॉलोड इट फ्राम आई डोंट नो एट्थ क्लास नाइन्थ क्लास उस टाइम से I found it in the comments of a YouTube video, alright. So it, it went something like this, a father and a son were talking and uh, the, this was a story of two wolves, alright. So father said beta there are two wolves in every person. So he said what are, who are, kis hai ke? Kaun se wo, do wolves hai? So father said the one is, the first one is which will always make you feared, which will always pull you down, which will always bring negativity inside you and the other wolves, which will be uh, providing you optimism, which will show you the path towards a good life, which will, uh, you know, tend you to uh, make you to a, uh, make you make, transform you into a positive person. so the kid uh, and and the father, father also mentioned, that there is always a constant battle among those two wolves inside you on a daily basis, every day with every person. so conflict of interest is the so the son ultimately asked, who wins? right. so the father answered, इट इज़ द वुल्फ यू फीड द मोस्ट जिस जानवर ही तो हैं जिसको आप ज़्यादा फीड करोगे बेसिकली जो थाट्स आते हैं जिसको ज़्यादा सोचोगे अल्टीमेटली इट विल कम वो होता है ना पावर ऑफ मैनीफेस्टेशन जिसको बोलता है उससे तो तो रिलेटेड था राइट सो यही है एंड अगेन रॉकी बेलबोआ एक मूवी है रॉकी ठीक है मैं बहुत रॉकी के मैंने वो देखा है उसमें सिलवेस्टर स्टाइलोन है तो अभी तो वो थोड़े एजेड हैं बट उस टाइम फिट एंड बढ़िया मेरे मेरे अच्छे एक्टर मुझे अच्छे लगते हैं वो तो उसमें देर इज़ अ कोट रॉकी मूवी में बहुत फेमस है मेरी व्हाट्सएप की डी भी वही है अभी कि इट गोज समथिंग लाइक द वर्ल्ड इज मीन एंड नास्टी इट विल ब्रिंग यू डाउन टू योर नीज एंड वट नॉट ठीक है समथिंग लाइक दैट एंड इट इज नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू हिट इट इज़ अबाउट हाउ हार्ड यू कैन हाउ इट इज़ अबाउट हाउ हार्ड यू कैन हाउ हार्ड यू कैन कीप मतलब कितना आप सह है सकते हैं राइट इट्स अबाउट हाउ हार्ड यू कैन गेटिंग हिट कीप गेटिंग हेड एंड स्टिल कीप मूविंग फॉर्वर्ड राइट सो यही तो ज़िंदगी का सार है अल्टीमेटली कितना ज़ोर से आप मार पा रहे हैं ये कही कहीं ना कहीं मैटर नहीं करता ये मैटर करता है कि आप कितना सह पा रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं राइट एंड दैट इज़ हाउ ही गोज़ लाइक दैट इज़ हाउ विनिंग इज़ डन दैट इज़ हाउ विनर्स आर मेड राइट सो दिस शुड भी योर आई थिंक अगर मानते हो कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं तो एक्सेप्ट करो इस चीज़ को एक्नोलेज करो राइट right? सो so, अच्छा एथिक्स के बाद ऐसे हो गया एथिक्स uh, uh, में भी केस स्टडीज़ में बता देता हूँ uh, बहुत स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपको रखनी है एथिक्स uh, में टेबल uh, का यूज़ करिए होता है ना uh, कि आप एज अ ब्यूरोक्रेट आपके पास यहाँ से प्रेशर है uh, आप क्या आपके पास डिसीजंस हैं तीन चार डिसीजंस वहाँ लिखिए मोटे मोटे ये ये डिसीजन लूँगा ये लूँगा ये लूंगा उसमें पॉजिटिव नेगेटिव मेरिट्स एंड डी का टेबल यू मेक राइट हर चीज़ के होते हैं मेरिट्स एंड डी अगेन और इस तरह से आप बनाइए मेरी आप कॉपीज़ रेफर कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू आप वहाँ देख लेंगे इस चीज़ को आ, मैं मैंने अपने आंसर्स में यूज़ करा है ठीक है माय टेलीग्राम इज़ रोहित त्यागी ट्वेंटी सिक्स ठीक है टॉपर्स ने यूज़ करा है ये चीज़ कोई नई चीज़ नहीं है मैंने पहली बार नहीं यूज़ करी टेबल विल हेल्प इन केस स्टडीज़ एंड कम्प्लीटिंग द केस स्टडीज़ डेफिनेटली इज़ रिवॉर्डिंग इन एथिक्स कोशिश करिए एथिक्स में केस स्टडीज़ को कहीं बीच में आप पहले पूरा कर लीजिए अगैन कुछ क्वेश्चन कर लिए एथिक्स के स्टार्टिंग में उसके बाद केस स्टडीज़ पूरी करी फिर जो छोड़े हुए कुछ दो चार क्वेश्चन हैं वो लास्ट में करें बिकॉज ट्वेंटी मार्क्स हैं यार वहाँ तो फिफ्टीन मार्कर को पहले करे थे तो स्टिल ट्वेंटी मार्क्स हैं इसको पूरा करिए आप ऐसे ही मैंने ऑप्शनल में भी करा था फॉर पीपल विद जोग्राफी ट्वेंटी मार्कर सबसे पहले अटैम्प्ट करे मैंने देन फिफ्टीन एंड देन टेन राइट ऐसे प्रेपरेशन न्यूज़पेपर से बहुत मदद मिली uh, सिंगल सोर्स जो रहा तैयारी का ऐसे का वो प्रीवियस ईयर टॉपर्स की कॉपीज़ थी कि वो कैसा लिख रहे हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनको नंबर मिले हैं यूपीएससी द्वारा है ना तो प्रीवियस ईयर टॉपर कॉपीज को एड आप अपने उसमें ऐड करिए ऐसे में और अच्छे टॉपर्स जो जिनके नंबर्स आए मेरी मत रेफ़र करना मेरे एक वन वन नाइन थे उनकी रेफ़र करिए जिनके वन में वन फिफ्टीज़ में आए हैं कंसिस्ट पिछले तीन चार साल के टॉपर्स में विक्रम ग्रेवाल सर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मैंने कॉपीज़ देखी उनके लिखने में बहुत क्रिएटिविटी दिखी तो वो भी आप ज़रूर रेफर करिए है ना महक जैन मैम हैं आप उनकी कॉपी को रेफ़र कर सकते हैं ठीक है रेटी मच यही है ऐसे में इट्स अप टू यू कितना आप लिख पा रहे हैं विथ्थ uh, में डेप्थ में है ना हर चीज़ को एड्रेस कर पा रहे हैं मेरिट्स डी के साथ कोर्ट्स लिख पा रहे हैं उसमें है ना फिलोसफिकल ऐसे ऐसे घबरा नहीं रहे हैं उसमें अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि क्या क्या उसमें ऐड करा जा सकता है सो दैट थिंग इज सर्टेनली गोइंग टू हेल्प ओके अप्रोच यही था ऐसे का कि स्टार्टिंग में ब्रेन स्टाम्बिंग कर लेनी है फर्स्ट ऐसे ब्रेन स्टॉमिंग उसको लिख लेना सेकेंड ऐसे में बाद में दोनों पर एक टाइम पर मत करना ठीक है इवन सेक्शन बी तो पढ़ना भी नहीं है पहले ऐसे का होता है ना कि जजमेंटल हो जाते हैं इसमें यह हो जाएगा इसमें यह कर लेंगे फर्स्ट वाले को सोच रहे होते हो सेकंड वाला कहीं ना कहीं लालच दे रहा होता है एंड यू कीप होपिंग इधर से उधर उधर से उधर नहीं सेक्शन बी को पढ़ो ही मत सेक्शन ए में से पहले ऐसे डिसाइड कर लो सबको पढ़ो रेट कर लोगे तीस सेकेंड में पता चल जाता है कि कौन सा अपने जोन का आया है उसको कर लो एड्रेस एंड सेक्शन ए को अटैम्प्ट करो ब्रेन स्टॉमिंग पंद्रह बीस मिनट बाकी टाइम एस में एक घंटा के लगभग और फिर सेक्शन बी में पंद्रह बीस मिनट पच्चीस मिनट ब्रेन स्टॉमिंग देन ऐसे उसको ऐसे का पेपर हो जाता है ऐसे में इशू नहीं आता टाइम मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिविजन टाइम मैनेजमेंट का यार यही है बी प्रोडक्टिव एंड डोंट डू सच थिंग्स विच हार्म और यू नो कॉम्प्रोमाइज़ विद योर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशियंसी ट्राई टू बी कंसिस्टेंट टाइम मैनेजमेंट विल डेफिनेटली इंक्रीज ओवर द मतलब बी एफिशियंट बिकम एफिशियंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है ना बी ऑनेस्ट रहो यार अपने साथ अकाउंट बी अकाउंटेबल टू योर सेल्फ ठीक है

रिविज़न वगैरह आप इंपॉर्टेंस रिविज़न का आप देख ही रहे हैं मेरा स्ट्रेस इनफ रहा है कि रिवाइज़ करते रहिए वो नोट्स जो बन रहे हैं वो रिविजन से ही बन रहे हैं बार 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 करने से साइकिल्स चलेंगी है ना जैसे वो पिक्चर का एग्जाम्पल दिया था मैंने मोटिवेशन आई थिंक इनफ मैंने कोर्ट्स वगैरह शेयर जो भी है मैंने मैंशन करे तो मोटिवेशन तो इसमें दिख जाता है एंड जो मेरा सोर्स ऑफ यार मोटिवेशन रहा ना वो उन लोगों का भरोसा रहा मेरे अंदर कि मैं कर सकता हूँ इस एग्ज़ाम को ठीक है देखो डाउट हमेशा आता है उसको बहुत नॉर्मलाइज रखिए Uh, मैं श्योर नहीं था मैं पहली बारी में करूँगा या नहीं ठीक है कि मतलब मैं तो पहली बारी में ही निकाल दूंगा या ये होगा नहीं ऐसा नहीं था मैं बहुत आई वॉज केयर टू डेथ बिफोर माई एवरी स्टेज के रिजल्ट से पहले प्रिलिम्स में तो हवा खराब थी होगा या नहीं हो मतलब यही था कि हो ही नहीं रहा यार हो गया तो बहुत वैसी बात है कि चलो मीन लिखने का मौका मिलेगा एंड ट्रस्ट मी माई गुड फ्रेंड टोल्ड मी दिस कि रोहित भाई आपका प्रिलिम्स हुआ है ठीक है तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो यू नो वाई मेन्स लिखने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती यार बाद में मैं मेरे दोस्तों को देखता हूँ दे आर रियली रियली एम्पेथेटिक फॉर देम इन सेंस दैट मेन्स लिखने की अपॉर्चुनिटी मिल पाना इज़ अ ब्लेसिंग इट सेल्फ राइट सो जब मेरे दोस्त बोलते थे ना कि आपको प्रिलिम्स क्लियर हुआ मेन्स लिखने की अपॉर्चुनिटी मिली है सो इट यूज टू स्ट्रेस मी अलॉट कि यार मेरे पे तो कोई बहुत तगड़ा बाहर आ गया है ठीक उस टाइम थोड़ा सा इमेच्योरली बिहेव कर रहा था कि यार मेन्स है तैयारी नहीं है ये वो बट सीक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि इसमें अच्छा करेंगे डेफिनेटली अच्छा करेंगे अच्छा हो जाता है ठीक है तो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड ऐसे रहिए आप कि ये एग्ज़ाम लिख पाना ही अपॉर्चुनिटी है अपने आप में और जो लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं आपके दोस्त आपके पेरेंट्स है ना उनको आपसे एक कोई लालच नहीं है कि ये इस एग्ज़ाम को क्लियर करेगा ये उन पर उनको भरोसा है कि ही और शी विल डू वेरी गुड इन दिस एग्ज़ाम सो दैट इज दैट शुड भी द अटमोस्ट सोर्स ऑफ यूर मोटिवेशन कि उनका भरोसा ही महज आपको पुष कर रहा है ऑन अ डेली बेसिस सीक दोज ब्लेसिंग्स है ना दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल एंड मच नीड इड राइट डेवलप सम गुड हैबिट्स ग्रो एज एन इंडिविजुअल इंटरव्यू में दे डेफिनेटली एनालाइज यू कि यह चीज़ क्या है क्या इसने सिर्फ uh, साल दो साल uh, बंद कमरे में तैयारी करी है और ही और शी हैज़ बीन आउट इन द वर्ल्ड एंड यू नो लर्न फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स आई आई यूज़ टू प्ले बास्केटबॉल तो अब आपको भी पता है बास्केटबॉल कोर्ट uh, इतना ईजीली एक्सेबल नहीं होता जगह जगह तो वट आई यूज़ टू डू कि अपना छत पर थोड़ा खेल लिए इधर उधर एंड ऑनलाइन देख लिया है ना अपनी हॉबीज़ को इनहेंस करिए मेरे पास पेट है तो मैंने अपनी हॉबी में मैंशन भी करा था स्पेंडिंग टाइम विथ पेट्स राइट सो आई डिट मैंशन दैट ओके रीडिंग अबाउट लीडर्स विच इज़ समथिंग आई डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सींग इन न्यूज़ के लीडर्स के इम्पैक्ट क्या रहते हैं so, सो एज अ ग्रो भी एज ए इंडिविजुअल आप ग्रो करिए ये सब चीज़ें हैं बिल्कुल वाजिब हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं बट दीज क्वालिटीज शुड भी देयर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल म्यूजिक होता है यार डांस होता है करिए कोई दिक्कत नहीं है जुम्बा मैंशन करते हैं लोग बाग करिए कोई दिक्कत नहीं है अच्छी हॉबी है लाइफ लॉन्ग रहेगी आपके साथ राइट इंटरव्यू रिलेटेड यही था कि योर एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सनैलिटी टेस्ट माई एक्सपीरियंस वॉज

आई वॉज़ स्कैड उस टाइम पे बट अपने आप को जज नहीं करना वहाँ पे उस आधे घंटे में आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं वो एक अचीवमेंट है अपने आप में राइट right? इंटरव्यू आप यू भवन में इंटरव्यू देने जा रहे हैं दैट इज़ एन अचीवमेंट है ना नॉट एवरीबडी गोज़ देयर हर साल वही ढाई हज़ार से तीन हज़ार के बीच में बच्चे वो बुलाते हैं सो या कॉन्फिडेंट रहिए एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू आई प्रिपेयर आई अगेन कैप्ट वेरी सिंपल डैफ को अच्छे से कर लेना है करंट अफेयर से टच में रहना है अपने ओपिनियंस फ्रेम करते रहना है डायरी राइटिंग की हैबिट डाल लेनी है डायरी राइटिंग अपनी लाइफ की नहीं जो इश्यूज चल रहे हैं उनमें पॉइंट्स चार चार पॉइंट्स ठीक है कि ये इशू है इसमें ये नेगेटिव्स हैं ये पॉजिटिव्स हैं ऑप्टिमिज्म ये ऐसे देख सकते हैं सो इट यू नो हेल्प यू फॉर्मिंग ओपिनियंस न्यूज़पेपर कोशिश करिए इकोनॉमी स्पेसिफिक एक न्यूज़पेपर बाकी मतलब जो मैंने करा था हिंदू एक्सप्रेस uh, और आपका मिंट ठीक है मिंट थोड़ा सा लेट स्टार्ट करा था किसी की सलाह पे इट पेड ऑफ अच्छा था मतलब ठीक है और इंटरव्यू uh, में थोड़ा ध्यान रखिए ऑप्टिमिस्टिक रहने का कि मेरा सिलेक्शन तो मतलब मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा और मैं सिलेक्शन भी लूंगा उस टाइम पे अपनी प्रिपरेशन को क्वेश्चन मत करिए मैं करने लगता था मेरे मेंस में मार्क्स कैसे आएंगे ठीक ठाक आए वो बात ठीक है उस टाइम पे जज कर लेना कि यार मेंस तो मेरा ऐसे ही गया होगा अगला प्रीलिम्स देना पड़ेगा दैट नेचुरली कम्स बट अवॉइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम राइट मैसेज फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स माई मैसेज वॉज दिस होल टॉक इट के आपको क्या करना है क्या नहीं करना और मैसेज यही है मेरा छोटा सा कि जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर एवरी थिंग इन योर लाइफ द क्लोथ्स यू आर वेयरिंग द पेन विच यू आर राइटिंग विद द नोट बुक विच यू आर हैविंग द बैग यू आर कैरिंग द स्पेक्टिकल्स विच यू आर वेयरिंग फॉर एवरीथिंग यू आर नॉट एवरी वन गेट्स दीज एज इजी एज वी आर सिटिंग इन दिस रूम विच इज एयर कंडीशनड इन दिस वेरी हाई टेम्परेचर आउटसाइड सो इट इट सेल्फ इज़ अ वेरी ग्रेट समथिंग विच यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर Right, because not everyone is uh, able to get these things. Right, and preparing for this exam, uh, getting the resources. Right, this exam, is uh, You're dependent on your family, your um, various sources. If you're working, you are working hard. Your resilience. Okay? so be grateful for that, and just be a creative person. Be a person who gets into the service. Will be you know changing the lives of thousands and lakhs of people. So develop as such kind of individual. You know, in your surrounding keep looking at issues talk to people what they are actually facing on a daily basis i did that to be very honest right if i see a kid who is a rag picker i will ask care you sab. so he will answer me okay ab describe karte huye. right it is developing your emotional quotient indirectly but it should not be the sole reason Ki aap kyun baat kar rahe because it is the right thing to do if you would not then who will राइट इफ़ यू विल नॉट देन हु विल अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे इश्यूज को अपने सराउंडिंग में देन हु विल राइट आप आप तैयारी कर रहे हैं आपका हक बनता है आप करना भी चाहिए राइट दीज आर द थिंग्स स्मॉल थिंग्स राइट एटॉमिक हैबिट्स एक किताब है पढ़ते हैं सब हवा चल रही है उसकी आजकल राइट right? सिर्फ उसमें पढ़ते मत रह जाइए देयर आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स व्हिच इज व्हिच इट मेंशंस राइट ग्रेजुअली स्लो 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 करते 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 यू विल रीच एट अ स्टेज जहां पे आपको लगेगा कि इट वाज वर्थ इट छोटी चीज़ें मैटर करती हैं प्रीलिम्स में बेसिक चीज़ें मैटर करती हैं मेंस में बेसिक बेसिक चीज़ें ही एड ऑन होके वैल्यू एडिशन बन जाती हैं इंटरव्यू में आपकी बेसिक 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 क्वालिटीज़ जो हैं कि इंटीग्रिटी दिख भी रही है इसमें या नहीं ठीक है इमोशनल क्वेश्चन है या नहीं बेसिक्स मेक द द होल राइट राइट सो देट्स मच इट इफ एनी वन यू हैज एनी सॉर्ट ऑफ डाउट ही और शी कैन आस्क आई वेल बी हैप्पी टू आंसर पहले तो बहुत बहुत सर थैंक यू सो मच सर एक कन्फ्यूजन में ये हो रहा है कि जैसे नोट्स क्लास नोट्स बन रहे हैं साथ में रिविजन एड ऑन बुक्स वगैरह जो बेसिक बुक्स हैं उनसे भी हो जा रही हैं लेकिन फिर अब जब न्यूज़पेपर्स हम लोग कर रहे हैं तो, तो न्यूज़ समझ में भी अच्छे से आ रहे हैं बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अब उसमें से एड ऑन कैसे करें न्यूज़ से करंट रिलेटेड टॉपिक को हम कैसे ऐड ऑन करें क्या ये मेंस 365 से मतलब हो जाएगा या हमें न्यूज़पेपर को मतलब कैसे करना है ये करंट वाला दिक्कत कर रहा है रहता था ये इशू मेरे साथ भी न्यूज़पेपर uh, में न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त मैं अपने दोस्त से ऑफ़न मेंशन करता था वो पूछते थे ना यार रोहित तो इतना न्यूज़पेपर के बारे में इतना प्रो न्यूज़पेपर क्यों है मैं बोलता था कि यार न्यूज़पेपर पढ़ने के पीछे ना कोई लालच नहीं होना चाहिए राइट पीपल ऑफ़न गेट आई वुड से थोड़े से लालची हो जाते हैं इस मामले में कि इस न्यूज़पेपर से आज मुझे जी का कंटेंट मिलेगा नहीं भाई न्यूज़पेपर से आप एक जेनरिक अवेयर सिटीज़न बन रहे हैं राइट एंड दिस एग्जाम इज मच अबाउट कि आप कितने अवेयर हैं इशूज़ को लेकर सो so, इस फोमो से निकल जाओ कि न्यूज़पेपर से कुछ मिलेगा वहाँ एड ऑन करने के लिए मिल जाए तो सोने पर सुहागा वरना कोई ज़रूरत नहीं है मेज थ्री सिक्सटी फाइव डज इट ऑल थैंक यू और कोई पूछना चाहे कुछ प्लीज़ सर जियोग्राफी ऑप्शनल के लिए कोई मैगजीन या करेंट अफेयर आर्टिकल कुछ है जियोग्राफी ऑप्शनल के लिए डाउन टू अर्थ एक मैगज़ीन आती है आ, वो फोर्टनाइटली आती है एक महीने में दो बार उसको रेफ़र करिए वो आपको इश्यूज तो बता ही देगा कुछ अच्छा डेटा दे देगा और एक जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप कर देगा रीजनल अप्रोच जैसे बोलते हैं कुछ अच्छी कोचिंग्स हैं वहाँ पे आप केस स्टडीज़ और मैप्स का जो कंटेंट है वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं बाकी थोड़ा सा कोशिश करिए कि गूगल पे आप अपनी तरफ से सर्च करते रहें कि व्हाट आर द एन्मेंटल इश्यूज रिसेंटली फेस्ड व्हाट आर द जोग्राफिकल स्पेसिफिक फिनोमिना विच आर हैपनिंग राइट जैसे कोई वोल्कैनिक इरप्शन हुआ सो व्हाट सॉर्ट ऑफ वोल्कैनिक इरप्शन वाज दैट ऑल राइट सो दिस शुड बी आर अप्रोच के थोड़ा सा जानने के लिए राइट सो डाउन टू अर्थ इज़ वेरी गुड सोर्स यू कैन रेफर टू दैट थैंक यू नमस्ते सर नमस्ते सर स्पेक्ट्रम के नोट्स कैसे बनाते थे स्पेक्ट्रम के नोट्स नहीं बनाने चाहिए दोस्त प्रिलियम्स के लिए आ, मैं बता देता हूँ थोड़े से मैंने बनाए थे आइडियली नहीं बनाने चाहिए रीज़न स्पेक्ट्रम थोड़ा सा फैक्चुअल है ना पूरी सब कुछ ही उसमें नोट्स है वो स्पेक्ट्रम इज़ इट सेल्फ अ नोट्स uh, ऑफ बिपिन चंद्रा आई गेस ऐसा बोलते हैं ठीक है बिपिन चंद्रा नहीं पढ़ी मैंने बट ऐसा बोलते हैं उसके नोट्स हैं तो नोट्स क्या बनाओ ना उसमें अपेंडिक्स uh, दिए हैं पीछे कि ये न्यूज़पेपर ये ये मैगजीन किस बंदे ने लिखी थी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इसको लिखता तो उसके बना के तो क्या ही करोगे है ना ज़्यादा करो तो उसी को फाड़ के पन्ने को अपने चिपका लो या लगा दो जो भी है अपने नोट्स में और ट्राइबल मूवमेंट्स होती थी है ना उसके नोट्स बना लो कहाँ पे हुई किस साल में हुई कहाँ पे हुई किस कारण से हुई उसके नोट्स बनाइए और जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी है ना गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ जो करके बनाया था आ, इस तरह से ही अलग अलग लीडर्स ने बनाए उसको अपने नोट्स में कर लीजिए अब इवेंट्स कब कब कैसे कैसे हुए पूरा ही लिखने लगोगे तो बहुत हैवी नोट्स हो जाएंगे ठीक है मैंने कैसे बनाए थे अगेन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल रखा है वो तो देख लेना एक बार के शॉर्ट नोट्स मेरे हैं वहाँ पे मैंने तीन शॉर्ट नोट्स डाले अपने पॉलिटी के मॉडर्न हिस्ट्री के और इकॉनॉमी के इकोनॉमी के मेरे दोस्त तारीफ़ कर रहे थे काफ़ी अच्छे हैं देख सकते हो थैंक यू सर बहुत यू थैंक यू सो मच आप जैसे ऑप्शनल की तैयारी कर रहे थे मार्च से अक्टूबर के बीच में जी, तो आपने जीएस को किस तरह से टैकल किया था उसी के साथ भी आपने जी मार्च 2022 से अक्टूबर के बीच में मैंने पूरे में ऑप्शनल सिर्फ ऑप्शनल या सिर्फ जीएस नहीं पढ़ा था स्टार्टिंग के तीन महीने चार महीने मैंने सिर्फ ऑप्शनल को दिए साथ में न्यूज़पेपर चल रहा था इशूज ट्रैक हो रहे थे कहीं ना कहीं राइट कॉन्शियसली सब कॉन्शियसली इशूज आई वॉज ऑलवेज कनेक्टेड कि चल क्या रहा है बेसिक सोर्सेज थोड़े से लेट स्टार्ट करे मैंने लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम ये चीज़ें शंकर की इन्वॉमेंट या जो भी है जो भी आप सोर्सेज रेफ़र करना चाहें वो तो बाय द टाइम सितंबर, अगस्त सितंबर आया था तो जी एस से कनेक्ट होने लगा समझ रहे हो इट वाज लाइक दिस वाज ऑप्शनल जी एस यहाँ पर था पीरियड बीतता गया ऑप्शनल चल रहा है चल रहा है ऐसे आ गया फिर ऐसे आ गया ठीक है फिर जब आंसर राइटिंग कर दी तो ऐसे आ गया समझ रहे हो इस तरह से और सर जैसे क्या नाम है कि आपने ऑप्शनल कर रहे थे और तो आप जैसे जी एस बी आप अक्टूबर के पास करने लगे थे तो आंसर राइटिंग दोनों के एक साथ करते थे आप जैसे घर पे भी करते थे आप टेस्ट के अलावा नहीं यार आई गेस मैं तो सिर्फ टेस्ट सीरीज पे ही डिपेंडेंट था आ, गलती थोड़ी ये रही कि प्रीवियस ईयर को कर लेना चाहिए था उस टाइम बेहतर नंबर आ सकते थे ये रहेगा ही मतलब मेरे को तो फील होता है ये बट प्रीवियस ईयर ज़रूरी है प्रीवियस ईयर को कर जाओगे ना तो बहुत ही बढ़िया है यार प्रीवियस ईयर एनी आपको प्री और मेन्स के बीच में तो करने ही पड़ते हैं सारे भी नहीं तो कुछ लिख के और कुछ को ब्रेन करके ठीक है थोड़ा ऑप्शनल के प्लीज़ प्रीवियस ईयर्स को लिख लीजिए प्रलियम्स से पहले मैं बहुत ही कम कर पाया था इस चीज़ को तो स्कोर थोड़ा कम रहा बाकी आपको द राइट थिंग टू डू इज़ प्रीवियस ईयर्स यस और सर एनसीईआरटी का क्या रोल था आपने सीधी एनसीईआरटी पढ़ी थी या सीधा स्टैंडर्ड बुक पढ़ी हाँ हा, मैं बता देता हूं एनसीईआरटी सी मैंने सारी नहीं पढ़ी थी जैसे ज्योग्राफी की 11 12th की एनसीईआरटी हो गई तमिलनाडु बोर्ड की एन हो गई और आपका जो फंड कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है एलेवंथ क्लास की वो हो गई एक आइडिया लेने के लिए लक्ष्मीकांत से पहले ठीक है और हिस्ट्री विस्ट्री के लिए तो मैंने नहीं पढ़ी ऐसी मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से ही पढ़ी थी और बायोलॉजी के लास्ट के चार चैप्टर जो बताते हैं है ना वो पढ़ लिए थे मैंने और एक साइंस का स्पेसिफिक एक एन है उसमें ना टेक्नोलॉजीज़ का एक चैप्टर है जिसमें ए के बारे में आई के बारे में दे रखा है दो में इंजीनियरिंग से था लेकिन इन चीज़ों का बेसिक पता होना चाहिए कई बार हम बेसिक ही मिस कर जाते हैं और वही प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं है ना तो यार ये बेसिक एन थी इकोनॉमी की आ, है एक माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो पता चल गया था ये तो नोट्स भी बनाए थे सर आपने नहीं एन के मैंने नोट्स नहीं बनाए सिर्फ वो स्टैंडर्ड थे हाँ उसी में मैं साइड में लिख लेता था जो भी फैक्चुअल चीज़ मिलती थी पेन वहीं हाईलाइट करके पेन को साइड में अपना लिख लिया और उसको बॉक्स में डाल दिया कि जब रिवाइज कर रहे हैं रिवाइज़ करने का एन का इतना टाइम मिल नहीं पाया था स्टैंडर्ड सोर्सेज को ही बार बार रिवाइज़ करता रहा बट वो चीज़ दिमाग में फिट हो जाती है कि आपने अलग से बॉक्स बना के लिखा है तो आप उसको अब्जॉर्व कर लोगे ठीक है थैंक सर थैंक यू गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून सर जैसे हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं एक टाइम पे, फिर कुछ टाइम बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि बाकी सब्जेक्ट छूट रहे हैं तो सर उस चीज़ को कैसे मैनेज करें ओके दैट इज़ अ वेरी कॉमन फीलिंग ये सभी को आती है मेरे को भी आती थी मेंस की तैयारी में भी यू हैव टू ट्रस्ट इन द प्रोसेस के ये बहुत नेचुरल चीज़ है सभी के साथ हो रहा है डरना नहीं है इससे uh, अपनी एफिशिएंसी पे भरोसा रखिए कि अगली रिवीजन जब मैं करूँगी तो इट विल एक लेवल होता है ना पहला uh, लेवल आप करोगे क्रिएट uh, वहाँ की आप तैयारी होगी आपकी देन अगली बार जब रिवाइज करोगे तो लेवल अप ही होता है है ना कुछ नए डायमेंशन से भी सोचते हैं आप तो थोड़ा सा रिवीजन की साइकिल थोड़ा बढ़ाइए एफिशिएंसी बढ़ाइए अपनी तो ये आई थिंक बेटर हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सर एक बार में एक ही सब्जेक्ट लेके चलें या दो तीन जेक्ट कैसे कवर कर सकते हो देखो मैं बता देता हूँ प्रिलियम्स की जब मैं तैयारी कर रहा था तो मार्च का जो टाइम था फेबररी uh, और मार्च का जब स्टार्ट करी थी तो वन सब्जेक्ट एट वन टाइम ही कर रहा था मैं तो आज पॉलिटी पढ़नी है तो पूरे दिन पॉलिटी ही पढ़नी है टारगेट बना लेता था कि आज पार्लियामेंट का चैप्टर है इसको करना है बिकॉज दैट इट सेल्फ इज अ वेरी बिग चैप्टर ना उसको कर लेना है आज ठीक है कल फिर ये चैप्टर्स करने हैं भाई प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के साथ गवर्नर प्राइम मिनिस्टर के साथ सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों के कवर हो गए इस तरह से है ना स्टेट स्टेट गवर्नमेंट में भी ऐसे वो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट साथ में चीज़ें तो सेम ही होती हैं माइनर डिफरेंसेस होते हैं उसको अलग पेन से हाईलाइट कर लो है ना इस तरह से थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच

दैट इज़ेरी गुड सोर्स बाकी तो यार फोमो तो रहेगा कि वो भी कर लेते ये भी कर लेते तैयार हो जाए थैंक यू सर वाइल दिपरेश सर डिसिप्लिन मैटर करता है या फिर रूटीन या फिर माइंड मैपिंग के भी मैं क्वालिटी पढ़ रहा हूँ इसको खत्म कर लूँ आराम से या फिर एक हाँ मेरा फ्लो बना हुआ है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो डेली उस चीज़ को कंसिस्टेंसी मैं करते रहूँ तो डिसिप्लिन पे मैं रहूँ टाइम टेबल पे रहूँ या फिर माइंड मैपिंग कि मैं पॉलिटी कर रहा हूँ इसको अच्छे से करना है इतने टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहिए कि माइंड मैपिंग पे ही मैं मतलब इस तरह थोड़ा सा ना सिंपल रखो कि यार योर एफर्ट्स शुड बी मोर टूवर्ड्स कम्पलीटिंग योर सब्जेक्ट रादर देन एनालाइजिंग अगेन एंड अगेन कि क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ जस्ट ट्रस्टिंग इन द प्रोसेस इट सेल्फ है ना देट ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस एंड इंक्रीजेज एफिशियंसी एट द सेम टाइम राइट

फिर में अपने इतना अच्छे मार्क्स और रैंक ले लिया लाइक आई मेंशन मैंने प्रीवियस ईयर टॉपर कॉपीज़ को बहुत रेफर करा अगेन एंड अगेन देखता रहा कैसे लिख रहे हैं कहीं ना कहीं उनको उनकी चीज़ें अडेप्ट करी अपने इसमें एंड सिलेबस uh, से ही मेन मेरा नाता रहा जो था कि भाई इसमें ही करूँगा जो करना है फालतू की चीज़ें इतनी नहीं रेफ़र करनी टाइम भी नहीं होता इतना एंड कीपिंग द प्रिपरेशन सिंपल सोर्सेज वही जो सब रेफ़र कर रहे हैं है ना पीपल ऑफन टेंड टू डि ना बस थोड़ा सा मेरा ये था कि डिविएट नहीं होना डिस्ट्रैक्शन मिनिमम रखनी है वैल्यूडेशन के पीछे इतना नहीं भाग जाना कि मैं अपने बेसिक्स को वीक uh, कर दूँ राइट सो मैं कह रहा हूँ स्मॉल स्मॉल थिंग्स ही थी जिनका थोड़ा ध्यान रखा गया बाकी मोरलेस प्रिपरेशन जो है बहुत जेनरिक थी यार इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं था कंसिस्टेंसी थी ऑनेस्टी थी अपने आप से या सर लास्ट माई क्वेश्चन सॉरी टू आस्क फैमिली से ज़्यादा कनेक्ट होना मतलब अदर्स अपार्ट फ्राम द मदर एंड फादर इट्स गुड और बैड Uh, मेरे मैक्सिमम रिलेटिव्स को नहीं पता था मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ एंड इट वर्क फॉर मी बिकॉज़ फ़ोन नहीं आते थे डेली डेली के तैयारी कैसी चल रही है ये वो ऑल दो मेन्स जब क्लियर हुआ तो सभी को पता चल गया था कि हाँ इसका मेन्स क्लियर हुआ है बिकॉज मेरी कज़न सिस्टर थी बुआजी की बेटी उसकी शादी थी उस दिन मेन्स का रिजल्ट उसी दिन आया था और वहाँ पर ऐसा माहौल हो गया कि ये सेलेक्ट हो चुका है यू में तो मेरी हालत ख़राब अगर मैं सेलेक्ट फाइनल में नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा मतलब हाई तोबा हो जाएगी मेरे साथ बट ठीक है मेन्स तक तो यार अपने तक रखो मेन्स का रिजल्ट आ जाए उसके बाद ठीक है कि इंटरव्यू अपेयर करने जा रहा हूँ बिकॉज वो एक अचीवमेंट होती है बी के सामने थैंक यू सर सर एस में जैसे एस और एथिक्स दोनों में आपने बहुत मतलब बढ़िया नहीं एस में तो मेरा कमी है वन वन नाइन है यारीसेंटेंट है।, है, है डिसेंट है तो सर ऐसे आपने जैसे प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था एस ऑन एथिक्स का एस में ना मैं वट आई डिड वॉज मोस्टली ब्रेन स्टॉमिंग करता था मैं उस अक्टूबर से जनवरी के बीच के टाइम में so, yes, say, say, uh, uh, कोई टॉपिक पकड़ा वेरियस डिमेंशन जॉट डाउन करी फुल टाइम ऐसे तो मैंने ऑनेस्टली uh, बोलू तो uh, एक आध लिखा होगा पहले बाकी मोस्टली प्रिलियम्स और मेन्स के बीच में ही लिखा था राइट सो ब्रेन स्टॉमिंग मोर ऑफन एंड ऑफन किस तरह से जॉटिंग डाउन द डिमेंशंस यार इसमें आई आर की डिमेंशन डाल सकता हूँ क्या कोल्ड वॉर को मैंशन कर सकता हूँ क्या इसमें इसराइल पैलेटीन तो चलो अभी हुआ है उस टाइम रशिया यूक्रेन बहुत चल रहा था फेमस है ना तो रशिया यूक्रेन को थोड़ा सा दिखा सकता हूँ क्या ठीक है कि जैसे कोई फिलोसफिकल ऐसे आया कि वन टू giants फाइट इट वन टू एलिफेंट्स फाइट इट इज़ नॉट द who हुर हर्ट इट इज़ द ग्रास विच इज़ डिस्ट्रॉयड beneath दैम फॉर एग्ज़ाम्पल एक टॉपिक दे देता हूँ कैसे लिखोगे मैं तो ऐसे स्टार्ट करूंगा कि द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन बाई रशिया इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस वेर पीपल हु लिव्ड इन दैट एरिया हैव एक्चुअली सफर्ड आवर इंडियन सिटीजन देर देर इत चेकर को भी तो पता है ना ये इंसिडेंट हुआ है एंड इट सूट्स वेरी वेल आई गेस है ना कि दो जाइंट्स कौन है दो एलिफेंट्स रशिया और यूक्रेन ग्रास कौन है जो वहाँ के लोग हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है

तो इसके बारे में गूगल और जो मैं बता रहा हूँ जो बेसिक नोट्स होते हैं वहाँ से पहले तो बेसिक नोट्स ही पढ़े देन आंसर कॉपी से मूव ऑन करा ऐसे में तो फर्स्ट थिंग वॉज टॉपर आंसर कॉपीज डोंट ब्लाइंडली फॉलो इट इफ़ इट इज़ यूजफुल इफ यू थिंक इट इज़ यूजफुल दैन ट्राई टू यू नो टेक सम एडवाटेज ऑफ इट सर जैसे ऑप्शन मेरा हिस्ट्री है जोग्राफी नहीं है लेकिन मैंने एक दफ़ा उसको कम्प्लीट कर रखा है अब रिविज़न में दिक्कत आ रही है क्योंकि जी एस की क्लासेज भी चल रही हैं अभी मेरा सिक्स सेमेस्टर कॉलेज भी चल रहा है यू आर वेरी यंग इज़ योर एज सर यही नहीं समझ में आ रहा है इस टाइम पे क्योंकि कॉलेज तो हम कम ही जाते हैं जैसे अभी कोचिंग कर रहे हैं okay. फिर कोचिंग के बाद जी का रिविजन वगैरह वैल्यू एडिशन जो बुक वगैरह पढ़नी रहती है वो कर रहे हैं फिर ऑप्शनल कैसे करें मतलब वो रिविजन के लिए टाइम अभी नहीं निकल पा रहा है और ये कोचिंग चलेगी नेक्स्ट ईयर तक देखो कोचिंग की जो रिविज़न देखो मैंने कोचिंग ले ली तो मैं नहीं इसमें थोड़ा सा मैं सही आंसर नहीं दे पाऊंगा बट मैं तो यही कहूंगा कि ऑप्शनल को ना नेग्लेक्ट मत करो थ्रू आउट वीकली कर लो रिविज़न सैटरडे संडे तो फ्री रहते हो या सैटरडे संडे को भी क्लास होती है नहीं फ्री रहते हैं लेकिन सर हाँ तो फ्री हो तो भैया एफर्ट तो डालने पड़ेंगे जहाँ आठ दस घंटे पढ़ रहे हो थोड़ा सा बारह चौदह घंटे कर दो उसे कभी कभी तो कर सकते हो तो वो टच नहीं छूटना चाहिए हाँ कोई ऐसा फिक्स वो नहीं है कि एथिक्स और इसमें सॉरी ऑप्शनल में और जी uh, में कैसे वो करें क्या वो करें ठीक है कोई ऐसा फिक्स वो नहीं है और बनाना भी नहीं है यार ठीक है इतना रिलैक्सडेन ऑफ रहना है कि जो टाइम पे सही लगे वो करा जाए तरीके से दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट सर जैसे ऑप्शनल के नोट्स हैं तो उनसे मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस तो हो जा रहे हैं बट लाइक like, uh, कौन सा अटैम्प्टे सर ट्वेंटी ऑप्शनल कवर हो चुका है ऑप्शन हो चुका है सर कोई बहुत सही को सिचुएशन में हो बॉस मैं बता रहा हूँ हर कोई नहीं होता इस सिचुएशन में यू आर रियली मतलब इस अगर ऑनेस्टली बोल रहे हो तो ऑप्शनल कवर हो गया तो बहुत सही सिचुएशन है पी वाई क्यूज को थोड़ा लिखना स्टार्ट करो अपनी साइड से आई वुड से दैट सर पी कैसे जैसे एक टॉपिक कवर किया यस रिवाइज करा पी तुरंत उठाए लिखे ओवरऑल एक सब्जेक्ट कर लिया या हाफ कर लिया जैसे मैं ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ ऑप्शनल में पेपर वन में भी ए पार्ट में जाके ये टॉपिक पढ़ा And देखो मुझे हिस्ट्री का सलेबस नहीं पता इतना बट थोड़ा बता देता हूँ कि मेडिवियल इंडिया का ये पोर्शन पढ़ लिया yes. या इन जनरल वर्ल्ड हिस्ट्री का ये पोर्शन पढ़ लिया उसके जो प्रीवियस ईयर सवाल आए हैं दो तीन सवाल लिख लिए दो तीन पे ब्रेन स्टॉमिंग कर ली कि कैसे बनाऊंगा स्ट्रक्चरिंग करें तो यार दैट इज़ अपू यू आई जस्ट गेव अ हिंट दैट इज अपू ये प्लीज एनी वन एल्स थैंक यू एनी वन एल्स थोड़ा सा सर वो सी सेट में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं मैंने बता देता हूँ मैंने फोर्टी सिक्स करे थे शायद फोर्टी सिक्स या फोर्टी एट कुछ ऐसे करे थे श्योर थोड़ा नहीं हूँ मैं बाकी आप पे आपकी एक्यूरेसी पे वेरी करेगा आपके कॉम्प्रिहेंशन मोस्टली सही हो जाते हैं तो आप उनको पहले करिए और मैथ्स में बहुत वो रही है स्पेसिफिक कि मुझे इस ये थोड़ा सा मेरा टॉपिक है जिससे मैं कर लेता हूँ वहाँ से हो जाते हैं मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो सिक्सटी प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हैं अगेन इट विल वेरी ये मॉक्स में ट्राई करिए आप थोड़ा है ना कि क्या एक ऐसा सेफ जोन है जो आपको पार करा दे रहा है बाकी एग्ज़ाम ऐसा अब आ रहा है कि आपको एट दैट वेरी मोमेंट डिसाइड करना है कि ऑप्टिमम कहाँ रहेगा कहानी एनी रहे वन एल्स सर जोग्राफी ऑप्शनल टू का बता दें जोग्राफी ऑप्शनल आपने पढ़ा है कभी ऑल राइट right. तो बेसिक सोर्सेज मैंने रखे थे आप भी कोशिश करिए कि बेसिक सोर्सेज को कवर कर लिया जाए आ, नहीं कर पा रहे हैं तो जिस कोचिंग से पढ़ रहे हैं आप वहाँ के नोट्स को बहुत एफिशिएंटली कवर करें और प्रीवियस ईयर टॉपर कॉपीज़ को ऑफन रेफर करते रहें कि पता है उससे होता क्या है उससे ये होगा कि आप जो चीज़ अभी पढ़ रहे हैं आप उसे टॉपर को देखेंगे कि यार उसने यूज़ करी है वो चीज़ देन यू विल रियलाइज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरी दैट वेरी स्टफ़ जो आपने पढ़ा है उस टाइम पे यू नो एटलीस्ट दैट वट दैट इज़ वट यू नो सरप्राइज्ड मी कि अरे यार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो अभी पढ़ी थी और यशार शेखर सर थे जोग्राफी ऑप्शनल में उनके थ्री हंड्रेड प्लस मार्क्स थे अरे यशार सर ने तो ये यूज़ करा हुआ है यू नो सो दैट अलार्म इन साइड माई हेड दैट वेंट ऑन कि अच्छा यार चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं थोड़ा और सीरियसली पढ़ो ठीक है एंड कवर भी हो जाता है आप अपने सोर्सेस से डिवियट मत होइए ठीक है नोट्स सर नोट्स या ट्राई टू डोंट ट्राई टू मेक नोट्स अभी से नोट्स uh, आपके प्रीलिम्स और मेंस में इतना टाइम रहता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कि उस टाइम नोट्स बन जाते हैं ठीक है फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट और कवरिंग द सिलेबस एंड मोर ऑफन ब्रेन स्टॉमिंग एंड जॉटिंग डाउन द पॉइंट्स रिलेटेड टू पी वाई क्यू ठीक है नोट्स पी वाई क्यू सेंट्रिक होने चाहिए और सिलेबस से ही होने चाहिए फालतू चीज़ें नहीं पेपर तो हुर हुर टैकल करने का तरीका है मैप्स और केस स्टडीज को मोर ऑफन यूज करा जाए अलॉन्ग विद्योग्राफर्स एंड द थ्योरिस्ट ऑफ पेपर वन दैट इज द अल्टीमेट थिंग दैट एवरी वन डज यार्लीज सर ऐसे के कॉन्टेक्स्ट में जैसे आपने कहा कि यूक्रेन रसिया वॉर को भी डाला जा सकता है तो वो कोट करते हुए आपने कहा कि रसिया और यूक्रेन एज एलिफेंट लेकिन अगर जैसे ये सुनते ही मेरे दिमाग में आया कि रसिया और यूएस एलिफेंट है और यूक्रेन वहाँ पे ग्रास है तो ये इंटरप्रिटेशन भी इस तरीके से भी सही हो सकता है दैट इज़ अ व्यू दैट यू आर क्रिएटिंग ओके परसपेक्टिव वेरी ना इफ़ यू आर लुकिंग एट अ लार्जर पिक्चर दैन यस थोड़ा सा बाईपोलर चीजें हैं ये वो बट अल्टीमेटली आई वॉज टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द इन्वेजन यूक्रेन भी तो काउंटर ओफेंसिव लॉन्च कर ही रहा है ना एनी वेज वेरी ऑन द कॉन्टेक्सट ऑन द जो भी आउटसेट है उसका कैसा है क्या वो है इस तरीके से भी करना पूरा सही yes, see, ऐसे में खासियत यही है इंटरप्रिटेशन इज अप टू यू हाउ यू प्रजेंट दैट है न तो डोंट जस्ट स्टिक टू आई यार बहुत वेरियस चीज़ें हैं यार इन्वामेंट है अलग अलग चीज़ें हैं लेजिस्लेचर लेजिस्टिंग बॉडीज़ है है ना सेंटर स्टेट रिलेशन से देख सकते हो कि सेंटर स्टेट में थोड़ा सा इशू होता है तो लोग थोड़ा सा इफेक्टिव uh, पॉलिसी थोड़ी सी वो हो जाती हैं इस तरह से यस थैंक यू हाउ टू चूज ऑप्शनल लाइक व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यार बॉस लाइक आई मैं योर इंटरेस्ट इज द प्राइमरी क्राइटेरिया समवन इंसिस्टेड मी के ऑप्शनल वो लियो जो तीन चार साल तक पढ़ सके उसका यह था कि तीसरे चौथे अटैम्प्ट में सलेक्शन होगा तो एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए ना कि तब तक पढ़ चुके प, पढ़ सके राइट सो दैट शुड नाट देट्स अ वेरी डी मोटिवेटिंग थिंग ओके अज्यूम करके चलो ये जो जो भी नज़दीकी अटैम्प्ट आप देने जा रहे हो उसमें आप सिलेक्शन ले रहे हो बिकॉज इट इज़ द राइट थिंग टू डू अदरवाइज यू आर डेलिबरेटली पुटिंग योर सेल्फ इन अ ट्रैप ठीक है तो ऑप्शनल वो लो जो इंटरेस्टेड जिसमें आप हो पढ़ सको अच्छे से पूरे पूरे दिन पढ़ सको क्योंकि मैंने बताया जोग्राफी पूरे दिन पढ़ता था स्टार्टिंग के दो तीन चार महीने में राइट मार्क्स वगैरह यार सेकेंडरी यार देखो मेरे कम रह गए हैं ठीक है आप बोल रहे हो कि छोटी मुँह बड़ी बात करे जा रहा है जब से कि इतने भी कुछ खास नंबर नहीं आए टू सेवेंटी टू ही हैं आने वालों के तीन सौ तेईस तक आए हैं बट अगेन इंटरेस्ट था यार है ना मुझे लगता है सोशोलॉजी या कुछ और नॉट डी मीनिंग एनी ऑप्शनल नाम भी नहीं ले रहा मैं आई टेक माई वर्ड्स बैक कोई भी ऑप्शनल और लेता अगर मैं मेरे उतने मार्क्स भी नहीं इतने भी नहीं आते उसमें नाउ आई कैन से तो गे इंटरेस्ट थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच एनी वन एल्स आई थिंक दैट्स वेरी मच इट हाँ हैंड राइटिंग मैं अपनी हैंड राइटिंग दिखाऊँ आपको सर पेन uh, मिलेगा क्या नहीं सर Some... नहीं मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा कि इसकी ऐसी थी राइटे नॉर्मल सी हैंड राइटिंग है कुछ इतनी खास भी नहीं है सो इफ़ यूर हैंड राइटिंग इज़ दैट इलेजिबल कि जो पढ़ने वाला है उसको समझ आ रहा है तो इट शुड नॉट ब प्रॉब्लम अगर ज़्यादा पुअर है मेरे एक फ्रेंड ने कर्सिव राइटिंग का कोर्स करा था वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द यू पी एस सी सो इट हेल्प फॉर हिम ठीक है सो डू कंसिडर सच काइंड ऑफ थिंग्स एंड यार जितना लिखोगे ना तो इट विल इम्प्रूव यार एंड अगर ज़्यादा इशू है तो यूनिट टू वर्क अपोनिट उसको एक्नोलेज करो उस पर काम करो सरसिव है, हैंड राइटिंग का कोर्स भी ले गए, गए आई एम नॉट सेंग यू शुड टेक आई जस्ट मैंशन कि उसने लिया था यही तो प्रॉब्लम है कि मैं मैंशन कर दू सी सेट की ये वाली बुक है सी सेट यही यहीं से पढ़ेंगे नहीं, नहीं।, 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 नहीं। मैं हाँ कर गया वो स्कोर You are doing that. Haan, हाँ, doing okay. That, but not in yeah. in oh. uh, able uh, that that also in, uh, negligible in here also. negligible here don't work. That don't, that don't uh, didn't work for me sir. Didn't work. Yeah. Okay. एंड योर हैंड राइटिंग इज वेरी पुअर यू आर सींग प्लीज पास मे द कॉपी प्लीज थैंक यू यार आई हैव सीन हैंड राइटिंग्स पैथेटिक देन दिस ठीक है सो इट इज क्वाइट गुड डोंट वरी टू मच इस पर मत वो करना कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है इट विल स्टॉप माई सेलेक्शन नहीं हैंड राइटिंग नेवर स्टॉप सेलेक्शन स्पेस इनफ वर्ड्स को इतना ज़्यादा मत वो कर देना क्रिस्प स्पेसिंग इनफ होनी चाहिए लाइन्स के बीच में स्पेसिंग इनफ होनी चाहिए थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करा करो डैट्स इट थैंक यू सर बिफोर प्लि कितने रिवीजन करना चाहिए सर यार एज मनी टाइम्स एज यू कैन एज मैनी टाइम्स एज यू कैन आई आई वॉन्ट गिव यू आर नंबर इफ आई से फोर टाइम्स फाइव टाइम्स देन वट इफ चार बार पाँच बार करने के बाद यू आर स्टिल नॉट वेरी कॉन्फिडेंट सो एज मनी टाइम्स एज यू कैन कवरिंग द बेसिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट डोंट लीव एनी सब्जेक्ट यार एंशंट मटीरियल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको जरूर करके जाएँ आप मल्टीपल टाइम्स सर एवरेज कितना करते हैं सर टॉपर नो नो नथिंग कोई टॉपर एवरेज नहीं बताएगा ऐसे यारे यू फोर्टीन टाइम्स विल यू भी एबल टू डू इट नहीं ना देट क्रिएटेड अ फोमो इन साइड में जब कोई प्रॉपर बोलता था एट टू टेन टाइम्स मैंने मैं नहीं कर पाया इतना एंड आई वोंट टेल के कितनी मेरी हुई रिविजन बिकॉज अल्टीमेटली यू विल मेक इट अ टैग लाइन की इतनी तो करनी ही है या इससे ज़्यादा नहीं करनी है ना तो एक बेंच मार्क मत सेट करो के बट भाई प्लीज़ ट्राई यार पाँच छः बार सात बार पाँच छः बार पाँच बार तो है ना हो पाए तो चार पाँच बार बढ़िया रहेगा मोर देन दैट ही है तो यू डू गुड यस थैंक यू यस थैंक यू थैंक यू वेरी मच इट वॉज़ अ वेरी गुड टाइम एंड ट्रस्ट में पहली बार मैं इतना uh, इतनी ऑडियंस को एड्रेस कर पाया हूँ इस तैयारी में आइसोलेशन में ही रहा था मैं Thank you very much it was very lovely moment <laughs>